नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल मई 23 एंड नवंबर 23 एग्जाम के लिए डीटी के रिवीजन लेक्चर। इस बार रिवीजन लेक्चर में मैं आपको कंसेप्ट तो करवाऊंगा ही, साथ में डीटी में क्या होता है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट होते हैं। काफ़ी बार ऐसा केस होता है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आप एक भी गलती कर देते हो तो आपके सारे मार्क्स चले जाते हैं। तो ऐसी कोई गलती ना करो, तो क्वेश्चन स्पेसिफिक जो भी एडजस्टमेंट होंगे, जो भी इंस्टीट्यूट के पॉइंट्स होते हैं स्पेशल पॉइंट्स, वो सारे भी मैं साथ साथ बताऊंगा, ताकि क्वेश्चंस में भी आपकी कोई गलती ना हो और आपके पूरे के पूरे मार्क्स उन क्वेश्चंस में आ सके। सबसे पहले अपन जो चैप्टर रिवाइज करेंगे वो है बेसिक कंसेप्ट एंड टैक्स रेट का। बेसिक कंसेप्ट एंड टैक्स रेट वाले चैप्टर में अपन ने सबसे पहले टैक्स का ओवरव्यू देखा था। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोज करती है। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है ब्लैक मनी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक होता है कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स जो भी आप इनकम अर्न करते हो उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो होता है इनकम टैक्स। जैसे मान लो आप जॉब करते हो, जॉब से आपको सैलरी की इनकम हुई, क्या लगेगा? इनकम टैक्स। आपकी मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी थी, उसको आपने रेंट पे दे दिया, रेंट की इनकम पे क्या लगेगा? इनकम टैक्स। आपका मान लो कोई बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है, उससे जो प्रॉफिट हुआ क्या लगेगा? इनकम टैक्स। डिविडेंड की इनकम हुई, इंटरेस्ट की इनकम हुई, उस इनकम पे क्या लगेगा? इनकम टैक्स। अब ब्लैक मनी टैक्स क्या होता है? ब्लैक मनी टैक्स जो आपका इंडिया के बाहर काला धन है, इंडिया के बाहर की जो काली कमाई है उसके ऊपर लगता है ब्लैक मनी टैक्स। ब्लैक मनी टैक्स इनकम टैक्स में कवर नहीं है, इसका एक अलग से एक्ट बना हुआ है, ब्लैक मनी एक्ट 2015, जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ये इलेक्टिव पेपर में कवर है, आपके इस वाले कोर्स में, डीटी और इंटरनेशनल टैक्स वाले कोर्स में कवर नहीं है, इलेक्टिव पेपर में ये एक्ट है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पे लगता है। दूसरा कस्टम ड्यूटी, जब आप इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हो उसके ऊपर लगता है कस्टम ड्यूटी। अब इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? देखो इनकम टैक्स में क्या होता है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली टैक्स मांगती है टैक्स पेयर से, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता, और टैक्स पेयर क्या करता है? डायरेक्टली टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा करवा देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स मांगा टैक्स पेयर से, और टैक्स पेयर ने डायरेक्टली टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। इस कारण इसका नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इस कारण इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स पेयर को यहाँ पर एसएससी बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स के मैटर के लिए एक बोर्ड बना दिया, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के मैटर या इनकम टैक्स जो भी मैटर है वो कौन हैंडल करता है? सीबीडीटी हैंडल करता है। सीबीडीटी को काफ़ी सारे काम होते हैं, तो सीबीडीटी ने क्या किया, टैक्स के कंप्लायंस वगैरह के लिए, असेसमेंट वगैरह करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे ऑफिसर्स होते हैं, कमिश्नर लेवल के ऑफिसर भी होते हैं, चीफ कमिश्नर लेवल के ऑफिसर भी होते हैं, छोटे ऑफिसर भी होते हैं। तो जो ऑफिसर एसएससी की चेकिंग करते हैं, एसएससी का असेसमेंट करते हैं या एसएससी पे रेट डालते हैं, उनको अपन बोलते हैं यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं? असेसिंग ऑफिसर। इसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की या इनकम टैक्स लगाने की पावर कहाँ से मिली? तो गवर्नमेंट को जो भी पावर मिलती है किससे मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे आर्टिकल है, तो उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 246, उसका 7th शेड्यूल बोलता है कि तीन लिस्ट होती हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और कंक्रेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल जो है आर्टिकल 246 का, उसमें तीन लिस्ट दे रखी है, यूनियन, स्टेट और कंक्रेंट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिसमें कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिसमें कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कंक्रेंट लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिसमें कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। तो इन लिस्ट में क्या होती है? एंट्रीज होती हैं। तो ऐसे ही यूनियन लिस्ट की एक एंट्री है, एंट्री नंबर 82, उसमें लिख रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का कानून बना सकती है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का कानून बना सकती है। इसी पावर को यूज़ करके बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। अब ऐसे ही स्टेट लिस्ट की एक एंट्री है, एंट्री नंबर 46, इसमें बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने का कानून बना सकती है। ऐसा बता रखा है एंट्री नंबर 46, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स। लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा रखा। क्यों नहीं लगा रखा? किसान क्या है? सबसे बड़ा वोट बैंक होते हैं। अगर एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगा दिया तो किसान नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं मिलेंगे। इस कारण एग्रीकल्चरल इनकम पूरे इनकम टैक्स वगैरह में सब जगह क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। अब आप आ गया हो, आपके कोर्स में है इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, आपके कोर्स में इनकम टैक्स लॉ है। इनकम टैक्स लॉ काफ़ी वाइडर टर्म है, इनकम टैक्स लॉ के पार्ट होते हैं, एक्ट वगैरह सब क्या होते हैं? लॉ के पार्ट होते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? एक तो इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्ट में क्या दे रखे होते हैं? प्रोविजंस दे रखे होते हैं। तो प्रोविजंस कहाँ देखेंगे अपन? इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर एक होगा इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स भी क्या होगा? लॉ का पार्ट होगा। इनकम टैक्स रूल्स में क्या होते हैं? रूल्स में क्या होता है? कैलकुलेशन वगैरह वाला पार्ट होता है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन वगैरह की रेट्स, जो रेट्स वगैरह वाला पार्ट होता है। इसके अलावा फॉर्म नंबर वगैरह सब किसमें दे रखे होते हैं? रूल्स में। इसके अलावा एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? जिसके थ्रू इनकम टैक्स में अमेंडमेंट किए जाते हैं। देखो इनकम टैक्स में हर साल क्या किए जाते हैं? अमेंडमेंट किए जाते हैं। इनकम टैक्स काफ़ी पुराना हो चुका, तो इसमें हर साल क्या किए जाते हैं? अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो वो होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो ये भी अपन कवर करेंगे। और आपके अटेम्प्ट के लिए मई 23 और नवंबर 23 के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2022, वो अपन पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा सर्कुलर इश्यूड बाई सीबीडीटी, देखो जो सीबीडीटी होती है, सेंट्रल बोर्ड होता है डायरेक्ट टैक्स का, वो सर्कुलर इशू करता है। कैसे इशू करता है? मैंने बताया था आपको कि
एक होते हैं असेसिंग ऑफिसर जो असेसी की चेकिंग करते हैं। अब वो असेसी का असेसमेंट करते हैं, चेकिंग करते हैं, उनको डाउट वगैरह आते रहते हैं क्योंकि तो ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं, ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है उनको, तो उनको डाउट वगैरह आते रहते हैं। डाउट वगैरह आते हैं तो कहाँ जाते हैं, सीबीडीटी के पास जाते हैं। सीबीडीटी उनके डाउट को दूर करता है, क्या इशू करके दूर करता है, सर्कुलर इशू करके दूर करता है। अब सीबीडीटी ने जो सर्कुलर इशू किया वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है, असेसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। इसके अलावा एक होता है नोटिफिकेशन इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी। कभी कभी किसी सेक्शन को गवर्नमेंट को इमीडिएट इफेक्ट से अप्लाई करना होता है तो गवर्नमेंट क्या इशू कर देती है, नोटिफिकेशन इशू कर देती है। इसके बाद एक जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन क्या होता है, मान लो एओ और असेसी, मतलब असेसिंग ऑफिसर और असेसी में डिस्प्यूट हो गया, असेसी ने इनकम बताई 10 लाख की और एओ बोल रहा है आपकी इनकम तो 15 लाख है, तो ये कहाँ जाते हैं, ये अपील में जाते हैं। अपील में कहाँ जाते हैं, पहले सीआईटी अपील में जाते हैं, फिर ट्राइब्यूनल में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो डिसीजन होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, जुडिशियल डिसीजन। ये सब आपके कोर्स का पार्ट है। खाली आपके कोर्स में इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, पूरा इनकम टैक्स लॉ है, एक्ट भी है, रूल्स भी है, फाइनेंस एक्ट भी है, सर्कुलर भी है, नोटिफिकेशन भी और जुडिशियल डिसीजन भी है। फिर अपने देखे थे कुछ डेफिनेशन देखी थी, सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, पर्सन की इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है, टोटल 7 कैटेगरी के पर्सन कवर कर रखे हैं। इनके अलावा भी कोई और पर्सन है वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन कैसी है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कौन कौन पर्सन बता रखे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल बता रखे हैं, जैसे नेचुरल पर्सन जो भी हो गए, आप सब लोग हो गए, मैं हो गए, अपन किस कैटेगरी में आएंगे, इंडिविजुअल की कैटेगरी में। एक होती है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक फैमिली एंटिटी होती है जिसमें सभी मेंबर्स होते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको कर्ता बोलते हैं और बाकी सभी को अपन अदर मेंबर बोलते हैं। फैमिली एंटिटी जो होती है HUF, पहले क्या होता था इसमें 2005 से पहले इसमें खाली मेल ही मेंबर बन सकते थे, लेकिन 2005 के बाद इसमें फीमेल भी मेंबर बन सकती हैं, तो अब इसमें मेल और फीमेल सब मेंबर रहती हैं। अगर मान लो इसमें एक केस लो भी था कि अगर मान लो एक ही मेल मेंबर है तो भी HUF बनाई जा सकती है कि हाँ बनाई जा सकती है। पहले क्या था, पहले खाली मेल मेंबर बन सकते थे तो कम से कम 2 मेल मेंबर चाहिए होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब खाली एक मेल मेंबर भी है तो भी HUF बनाई जा सकती है, HUF को कंटिन्यू किया जा सकता है। आगे बता रखा है फर्म, फर्म भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। फर्म में एक तो पार्टनरशिप फर्म कवर हो जाएगी और एक LLP। इनकम टैक्स एक्ट में LLP को भी पार्टनरशिप फर्म जैसा ही माना गया है, फर्म इंक्लूड्स LLP ये बोला गया है, मतलब जो फर्म पे प्रोविजन लगेंगे सेम टू सेम LLP पे वो प्रोविजन लगेंगे। कंपनी भी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगी, एक आ जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक आ जाएगा लोकल अथॉरिटी और एक आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन कौन होते हैं, कोर्ट वगैरह, टेंपल, यूनिवर्सिटी वगैरह, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन की। अब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें 7 कैटेगरी के पर्सन है, इनके अलावा भी कोई और पर्सन है वो भी पर्सन माना जाएगा। जैसे कॉपरेटिव सोसाइटी है, कॉपरेटिव सोसाइटी कहीं नहीं लिखा हुआ तो कॉपरेटिव सोसाइटी को भी हम क्या मानेंगे, पर्सन मानेंगे, क्योंकि डेफिनेशन कैसी है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसके बाद अपने देखा था असेसी, असेसी की डेफिनेशन देखी थी। असेसी मतलब कोई भी पर्सन जिसको इनकम टैक्स में या तो टैक्स पे करना है या इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, वो बन जाता है असेसी। और असेसी की डेफिनेशन में डीम्ड असेसी भी आ जाएगा और असेसी इन डिफॉल्ट भी आ जाएगा। अब आप लोगों के डीम्ड असेसी क्या होता है, डीम्ड असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट आगे जाके आपको पता पड़ेगा। डीम्ड असेसी मतलब मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, उसका इंडिया में एजेंट है, उसको अपन बोल लेंगे डीम्ड असेसी। ऐसे ही मान लो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होता है वो ट्रस्ट के लिए क्या बन गया, डीम्ड असेसी बन गया। अब असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है, मान लो आपको TDS जमा करवाना था या TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना था, ना तो आपने TDS जमा करवाया ना ही आपने मान लो TCS वगैरह जमा करवाया, तो आप बन जाते हो असेसी इन डिफॉल्ट। उनको भी अपन क्या बोल देते हैं, उनको भी क्या बोल देते हैं अपन, असेसी। इसके बाद अपने देखा था असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम अर्निंग ईयर। असेसमेंट ईयर होता है टैक्स पेमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जो होता है वो असेसमेंट ईयर के जस्ट पीछे वाला साल होता है और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के जस्ट आगे वाला साल होता है। प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो, उसका टैक्स कब पे करते हो, आप असेसमेंट ईयर में पे करते हो। अब असेसमेंट ईयर जो होता है हमेशा 12 मंथ का पीरियड होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से छोटा पीरियड भी हो सकता है। छोटा कैसे हो सकता है, अगर मान लो आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया पहली बार, या पहली बार आपने इनकम कमाना स्टार्ट किया, पहली बार न्यू बिजनेस स्टार्ट किया या तो, या पहली बार आपने इनकम कमाना स्टार्ट किया, तो जिस दिन आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया या तो, या जिस दिन आपने इनकम कमाना स्टार्ट किया उस दिन से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। लेकिन ऐसा केस नहीं है, आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है या मान लो पहले से आप इनकम कमा रहे हो, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का भी हो सकता है और 12 मंथ से छोटा भी हो सकता है, न्यू बिजनेस के केस में 12 मंथ से छोटा भी ये हो सकता है। अब फाइनेंस एक्ट 22 मतलब May 23 और November 23 एग्जाम के लिए आपके लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन से हैं, मतलब आपके क्वेश्चन कौन से ईयर के आएंगे, तो जो क्वेश्चन आएंगे आपके प्रीवियस ईयर के वो आएंगे 22-23 के। प्रीवियस ईयर 22-23 के क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको इनकम दे रखी होगी प्रीवियस ईयर 22-23 की और आपको उसका टैक्स निकालना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 रहेगा इनकम अर्निंग ईयर और टैक्स पेमेंट ईयर क्या रहेगा, असेसमेंट ईयर 23-24। तो क्वेश्चन में लिख देगा कंप्यूट टोटल इनकम या टैक्स लाइबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 या असेसमेंट ईयर 23-24, कुछ भी लिख सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है। या तो प्रीवियस ईयर 22-23 लिख सकता है या असेसमेंट ईयर 23-24 लिख सकता है, ये आपके लिए रेलिवेंट है। फिर अपन ने इनकम टैक्स का जनरल रूल देखा था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है। प्रीवियस ईयर की इनकम जो होती है वो असेसेबल कब होती है, असेसमेंट ईयर में। आप रिटर्न वगैरह फाइल करते हो असेसमेंट ईयर में।
लेकिन इस रूल का कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, ऐसे केस बता रखे हैं जहां इनकम प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी और आपको सारे काम प्रीवियस ईयर में ही करने पड़ेंगे, आपको एक साल का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, उसी साल में सारे काम करने पड़ जाएंगे। कौन कौन से केस बता रखे हैं, कोई अगर नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, और शिपिंग बिजनेस भी कैसे है, कैजुअल शिपिंग बिजनेस है, कभी कभार शिपिंग का बिजनेस करता है कोई नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया के बाहर का पर्सन, तो उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा। दूसरा कोई पर्सन इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहा है या लंबे समय के लिए छोड़ के जा रहा है, उसका प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा। तीसरा डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, तो उस केस में प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स प्रीवियस ईयर में लग जाएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट दे रखा है, कोई पर्सन अपने एसेट ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहा है ताकि वो टैक्स को अवॉइड कर सके, तो उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा। इसके बाद बता रखा है, कोई AOP BY या आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए या पार्टिकुलर पर्पज के लिए फॉर्म हुआ है, तो उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा। फिर अपने देखे थे ऐसे कुछ केस भी देखे थे जिसमें इनकम कब टैक्सेबल होगी, जब वो डिपार्टमेंट वालों के नोटिस में आ जाएगी, जब AO के पकड़ में आ जाएगी। सबसे पहले तो अपने देखा इनकम कब टैक्सेबल होती है, प्रीवियस ईयर की, असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। फिर अपने देखा प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में लग जाएगा, वो केस देख लिए। फिर अपन क्या देख रहे हैं, ऐसे केस देख रहे हैं जिसमें इनकम कब टैक्सेबल होगी, जब वो AO के पकड़ में आ जाएगी। अब AO के पकड़ में आ जाएगी, AO के नोटिस में आ जाएगी, मतलब बताओ कौन सी इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, अनडिस्क्लोज इनकम की बात हो रही है, मतलब एक तरीके से ब्लैक मनी की बात हो रही है। और ब्लैक मनी भी कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, इंडियन ब्लैक मनी की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया के बाहर की जो ब्लैक मनी है वो इनकम टैक्स एक्ट में कवर नहीं होती, उसके लिए अलग से एक्ट है ब्लैक मनी एक्ट, उसमें कवर होती है। तो जो इंडिया की ब्लैक मनी है उसकी यहाँ बात हो रही है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो इंडियन ब्लैक मनी के कुछ सेक्शन बता रखे हैं, ये ऐसे सेक्शन बता रखे हैं कि अगर आपकी इनकम इन सेक्शन में पकड़ी गई तो आपकी उस इनकम पे टैक्स कब लगेगा, जब वो डिपार्टमेंट वालों के पकड़ में आ जाएगी। जिस ईयर में डिपार्टमेंट वाले उसको पकड़ेंगे उस ईयर में टैक्सेबल होगी। तो कौन कौन से केस है वो देख लेते हैं एक बार अपन। एक बता रखा है सेक्शन 68, एक 69, 69A, एक 69B और एक 69C, और एक बता रखा है इसके बाद 69D। सबसे पहले सेक्शन 68 क्या बोलता है, कैश क्रेडिट का सेक्शन, ये बोलता है असेसी की बुक्स में, असेसी की बैंक अकाउंट में पैसा आए जा रहा है, क्रेडिट हुए जा रहा है, लेकिन असेसी उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या सोर्स एक्सप्लेन तो करता है असेसी, लेकिन AO के अकॉर्डिंग सोर्स क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो वो क्या बन जाएगा, असेसी की ब्लैक मनी बन जाएगा, अनडिस्क्लोज इनकम बन जाएगा, जो भी पैसा बैंक अकाउंट वगैरह में आया। इसके बाद सेक्शन 69 है, असेसी ने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट किया लैंड वगैरह में, बिल्डिंग वगैरह में, शेयर्स वगैरह में या ज्वेलरी वगैरह में, जैसे मान लो असेसी ने 10 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, असेसी ने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया और AO के पकड़ में आ गया। अब असेसी उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उस 10 करोड़ का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या सोर्स एक्सप्लेन तो करता है लेकिन AO के अकॉर्डिंग क्या है वो एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो वो 10 करोड़ क्या बन जाएंगे असेसी की ब्लैक मनी। इसके बाद बता रखा है 69B, असेसी ने मान लो कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह में शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया, मान लो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, बुक्स में रिकॉर्ड किया 2 करोड़ का, बुक्स में रिकॉर्ड किया 2 करोड़ का, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 8 करोड़ का असेसी सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या तो या सोर्स एक्सप्लेन तो करता है लेकिन AO के अकॉर्डिंग क्या है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो क्या बन जाएगा असेसी की डिफरेंस अमाउंट क्या बन जाएगी असेसी की ब्लैक मनी। फिर 69C क्या बोलता है, असेसी ने कोई खर्चा किया, मान लो असेसी ने कोई खर्चा किया बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, अब खर्चा किया बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया और असेसी उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या एक्सप्लेन तो करता है लेकिन AO के अकॉर्डिंग सोर्स क्या है अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो जो खर्चा किया वो भी असेसी की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, ब्लैक मनी की इनकम बन जाएगी। जैसे मान लो असेसी ने 5 करोड़ रुपीज़ शादी में उड़ा दी, या मान लो असेसी ने सैलरी का पेमेंट किया लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, सैलरी का पेमेंट किया बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ब्लैक मनी से पेमेंट कर दिया सैलरी वगैरह का 50 लाख का, तो क्या बन जाएगा वो खर्चा भी इनकम बन जाएगी असेसी। और इसमें एक बात ध्यान रखना, वो अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर जो है, जो इनकम बन गया, एक तो वो इनकम बनेगा, दूसरी उस खर्चे की किसी भी हेड में डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, उस खर्चे की किसी भी हेड में डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। मान लो असेसी ने 50 लाख का सैलरी का पेमेंट किया, ब्लैक मनी से कर दिया, तो 50 लाख तो ब्लैक मनी की वो इनकम बन जाएगी उसकी, दूसरा 50 लाख की उसकी PGBP हेड वगैरह में कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। इसके बाद था सेक्शन 69D, अगर असेसी मान लो अमाउंट बोरो करता है या रिपे करता है उन हंडी मतलब बिना किसी लिखा पढ़ी के असेसी अमाउंट बोरो करता है और अमाउंट रिपे करता है, मतलब बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी लिखा पढ़ी के अमाउंट बोरो करता है और रिपे करता है, कर सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर देन अकाउंट पे चेक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब कैश में बीएड चेक वगैरह से कर दिया, कैश वगैरह में कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर असेसी अमाउंट बोरो करता है, रिपे करता है, अदर देन अकाउंट पे चेक करता है, तो क्या होगा, जो भी असेसी ने अमाउंट बोरो करी थी वो उसकी इनकम बन जाएगी, या तो बोरो के टाइम पे बनेगी या रिपे के टाइम पे बनेगी, या तो बोरो के टाइम पे या रिपे के टाइम पे, मतलब जब असेसी पकड़ा जाएगा तब बनेगी, अगर बोरो के टाइम पे पकड़ा गया तो बोरो के टाइम पे इनकम बन जाएगी, और रिपेमेंट के टाइम पे पकड़ा गया तो रिपेमेंट के टाइम पे इनकम बन जाएगी। लेकिन मान लो एक बार बोरो अमाउंट इनकम बना दी, AO ने पकड़ लिया असेसी को अमाउंट लेते हुए, कैश में लोन लेते हुए पकड़ लिया 5 लाख का, और 5 लाख की उसकी इनकम बना दी, अब असेसी मान लो बाद में उस 5 लाख को रिपे कर रहा है, तो रिपेमेंट के टाइम पे इनकम बनेगी क्या, तो नहीं बनेगी, वो एक बारी बनेगी, डबल टैक्सेशन नहीं होगा, बस एक बारी बनेगी, या तो बोरो के टाइम पे बनेगी या रिपेमेंट के टाइम पे बनेगी, जब पकड़ा जाएगा तब इनकम बन जाएगी। फिर इसके बाद बता रखा है सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, O, D, मतलब जो ब्लैक मनी वाले सेक्शन है, मतलब अनडिस्क्लोज इनकम के जो सेक्शन है, इनके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट बता रखे हैं कि जो अनडिस्क्लोज इनकम आपकी, इस पे स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा, इस पे स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। देखो इनकम टैक्स में जो बता रखा है आपको कि दो तरह की टैक्स रेट होती है, एक तो जनरल टैक्स रेट और एक स्पेशल टैक्स रेट।
कुछ इनकम पे जनरल टैक्स रेट लगती है, कुछ पे स्पेशल रेट लगती है। तो इन पे स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। स्पेशल रेट क्या है? 60% टैक्स, 60% टैक्स लगेगा, और उसमें 25% का सरचार्ज ऐड होगा और 4% का सेस ऐड होगा, और रेट हो जाएगी 78% की। टोटल 78% की रेट से टैक्स लगेगा। मान लो 1 लाख की ब्लैक मनी की इनकम पकड़ी गई, तो 1 लाख पे 78% टैक्स लग जाएगा। ओनली 22,000 आपके पास बचेंगे, 78,000 आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। कौन से सेक्शन में टैक्स बोलती है ब्लैक मनी की इनकम? 115BBE। इसके बाद बता रखा है इन इनकम में से कौन सी, जो ऊपर ब्लैक मनी की इनकम है, इन इनकम में से आपको किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब ग्रोस बेसिस पे इनकम टैक्स बोलूंगी। आगे बता रखा है इन इनकम से आप कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। और एक बता रखा है जो इंडिविजुअल की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाली, आपने पढ़ रखी है 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाली, वो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो इंडिविजुअल को खाली ब्लैक मनी की इनकम है 1 लाख की, तो 1 लाख की वो ग्रोस बेसिस पे 78% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिविजुअल ये नहीं बोल सकता कि उसको 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट दे दो, 2.5 लाख तक नील कर दो उसका टैक्स, ऐसा नहीं बोल सकता, वो बेनिफिट भी उसको नहीं मिलेगा। फिर अपने देखा था चार्जिंग सेक्शन, इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि कौन से अमाउंट पर टैक्स लगेगा, कब लगेगा, किस रेट से लगेगा, कौन से अमाउंट पर टैक्स लगेगा, कब लगेगा, किस रेट से लगेगा। तो इनकम टैक्स लगेगा, ये बोलता है चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स लगेगा एवरी पर्सन के ऊपर लगेगा, एवरी पर्सन के ऊपर लगेगा, और एवरी पर्सन की टोटल इनकम के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? टोटल इनकम के ऊपर लगेगा। या तो फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में जो रेट दे रखी है उस रेट से लगेगा, या इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो रेट दे रखी है उस रेट से लगेगा। फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में जनरल टैक्स रेट दे रखी है, और इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशल टैक्स रेट दे रखी है। तो इनकम टैक्स लगेगा एवरी पर्सन के ऊपर लगेगा, एवरी पर्सन की टोटल इनकम के ऊपर लगेगा। या तो फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 की जनरल रेट से लगेगा, या इनकम टैक्स एक्ट में जो स्पेशल रेट दे रखी है उससे लगेगा। अब किसके ऊपर लगता है टैक्स? टोटल इनकम के ऊपर। आप टोटल इनकम कैसे निकालते हो? सबसे पहले आप चेक करते हो जिस बंदे की आप इनकम निकालते हो, टोटल इनकम निकालते हो, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, ये चेक कर लेते हो। अभी चेक क्यों करते हैं? क्योंकि देखो रेजिडेंट की तो क्या होती है, ग्लोबल इनकम, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है, और जो नॉन रेजिडेंट होती है उसकी खाली इंडिया की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, उसकी ओनली जो नॉन रेजिडेंट होता है इंडिया की इनकम टैक्सेबल होती है। अब उसके बाद आप उस बंदे का 5 हेड में इनकम निकालते हो, सैलरी के हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 5 हेड में आप इनकम निकालोगे। अब आपका जो टोटल इनकम निकालने का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन आता है वो कंपनी का आता है। देखो कंपनी की सैलरी की इनकम नहीं होती, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी जनरली नहीं देगा क्वेश्चन में, नहीं देता कंपनी की। कंपनी की मेन होती है पीजीबीपी हेड की इनकम, तो उसमें मेन पीजीबीपी हेड का पॉइंट होता है। कभी कभार एक आध पॉइंट आ जाता है कैपिटल गेन या अदर सोर्स, कभी कभार एक आध पॉइंट रहता है। तो मेन हेड अपने कौन से? पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, बाकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी ज़्यादा काम के हेड नहीं है इनमें। बस आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, वो बेसिक क्या आना चाहिए वो मैं सब आपको बता दूंगा। ये 5 हेड में अपन इनकम निकाल लेंगे, क्लबिंग कर लेंगे, क्लबिंग के बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह करना है, अगर कोई लॉस वगैरह है तो उसको सेट ऑफ कर देंगे, अगर हो पा रहा है तो, नहीं हो पा रहा तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये आपकी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। इसमें से आप चैप्टर 6A के डिडक्शन लेस कर देना, चैप्टर 6A के डिडक्शन होते हैं सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक। आपने PPF वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया, डोनेशन वगैरह दिया, उनके डिडक्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे। ये लेस करते ही आपकी आ जाएगी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। इसको टोटल इनकम भी बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। तो TI या NTI, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम, ये आ जाएगी। अब इस टोटल इनकम को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसमें से जनरल रेट इनकम को अलग करना है और स्पेशल रेट इनकम को अलग करना है। आप बोलोगे जनरल रेट इनकम क्या होती है? जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, सैलरी की इनकम हो गई, पीजीबीपी हेड की इनकम हो गई, डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो गई, ये सब होती है जनरल रेट इनकम। इन पर जनरल टैक्स रेट लगती है। अब आप बोलोगे स्पेशल रेट इनकम क्या होती है? लॉटरी की इनकम, लॉटरी की इनकम पे इनकम टैक्स में 30% टैक्स लगता है, 30% टैक्स। ऐसे ही ब्लैक मनी की इनकम, ब्लैक मनी अपने पड़ी थी ना ऊपर, 60% टैक्स लगता है, 25% खर्चा लगता है वो ब्लैक मनी की इनकम, वो सब क्या है? स्पेशल रेट इनकम। ऐसे मान लो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपको 112 वाला, तो उस पर 20% से टैक्स लगता है, वो सब क्या है? स्पेशल रेट इनकम। तो अगर आप उन नेचर की इनकम होती है, उन स्पेशल वाली इनकम होती है, तो उन पे स्पेशल रेट ही लगती है, उन पे हमेशा क्या लगती है? वो स्पेशल रेट लगती है, उन पे आप जनरल रेट नहीं लगा सकते। तो जनरल रेट इनकम को आप जनरल टैक्स रेट से इनटू कर दोगे, स्पेशल रेट इनकम को आप स्पेशल टैक्स रेट से इनटू कर दोगे, जो कंपलसरी होती है। आपका आ जाएगा टैक्स, फिर आपको लगाना है सरचार्ज। सरचार्ज लगता है तो लगाना है, कब लगता है? अगर आपकी टोटल इनकम जो है, सरचार्ज के लिए अपन क्या देखते हैं? टोटल इनकम देखते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम एक लिमिट को क्रॉस करती है तो सरचार्ज भी लगेगा। ये अमीर लोगों पे लगता है जब आपकी टोटल इनकम एक लिमिट से ज़्यादा चली जाती है, सरचार्ज लग जाएगा, टैक्स और सरचार्ज का टोटल आ जाएगा, उस पर अपन 4% सेस ऐड कर देंगे एंड में। ये आपका आ जाएगा टोटल टैक्स पेबल। टोटल टैक्स पेबल के बाद आपका जो भी TDS कटा था, या जो भी आपका TCS कलेक्ट हुआ था, या आपने जो भी एडवांस टैक्स जमा करवाया था, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, वो लेस कर देना। उसके बाद आ जाएगा आपका नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल, नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल। अब अपन ने देखी थी इसके बाद जनरल टैक्स रेट। टैक्स रेट में सबसे पहले देखी थी जनरल टैक्स रेट, दो तरह की टैक्स रेट होती है, जनरल टैक्स रेट और एक स्पेशल टैक्स रेट। सबसे पहले देखी थी जनरल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट में सबसे पहले देखा था अपने इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। 4 कैटेगरी के पर्सन किए थे अपने कवर, इंडिविजुअल, HUF, एक AOP, BOI और एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इन पे लगता है स्लैब रेट। अभी स्लैब रेट क्या होती है? अगर इनकी टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000 तक है, कोई टैक्स नहीं देना। 2,50,000 से 5 लाख वाली इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम पे 20% और अबाउट 10 लाख वाली इनकम पे 30%। ये इनका स्लैब होता है। ये 2,50,000 को अपन क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इंडिविजुअल के केस में क्या बोलते हैं इसको अपन? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट।
अब आगे बता रखें, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मतलब इंडिया का इंडिविजुअल है, खाली इंडिया के इंडिविजुअल की बात हो रही है और बाकी किसी एसएससी की बात नहीं हो रही, एचयूएफ वगैरह की बात नहीं हो रही, खाली इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल भी कौन सा रेजिडेंट इंडिविजुअल, और उसकी एज कितनी है, 60 ईयर से उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, या तो प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन, या तो प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर या असेसमेंट ईयर के पहले दिन, मतलब कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज इतनी है 60 ईयर से उससे ज़्यादा लेकिन 80 ईयर से कम है, या तो प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर मतलब हो गया आपका 1 अप्रैल 23, मतलब 1 अप्रैल 23 को भी अगर उसका मान लो 60th बर्थडे आ जाता है, 1 अप्रैल 23 को भी उसका 60th बर्थडे आ जाता है, तो क्या बोल देंगे उसको अपन, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएगा, और उसके एसेंस लेवल क्या हो जाएगा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, वहाँ ऊपर 250 तक था, यहाँ क्या है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख वाली इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और अब 10 लाख पे 30%। अब आगे बता रखा है, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज कितनी है 80 ईयर से उससे ज़्यादा है, 80 ईयर से उससे ज़्यादा है, या तो प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर पर भी मान लो उसका 80th बर्थडे आ जाता है, तो क्या बोलेंगे उसको, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोलेंगे, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। इस केस में क्या होगा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और अब 10 लाख 30%। फिर अपन ने देखा था जो इंडिविजुअल होता है, और इंडिविजुअल भी कौन सा, रेजिडेंट इंडिविजुअल, उसको एक रिबेट मिलती है 87A की, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है 87A की रिबेट। कब मिलती है, अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपये तक है, अप टू रुपीज़ 5 लाख है तो ही मिलती है, 5 लाख से मान लो 10 रुपये भी ज़्यादा हो गई तो ये रिबेट नहीं मिलेगी, तो 5 लाख तक है तो मिल जाएगी, तो मान लो 1% उसकी इनकम 4 लाख 10 थाउजेंड है, मिल जाएगी कि हाँ मिल जाएगी, 5 लाख है मिल जाएगी, 5 लाख 10 थाउजेंड है नहीं मिलेगी, तो 5 लाख है तो ही मिलेगी, 5 लाख तक अगर टोटल इनकम होती है तो ही मिलती है। कितनी मिलती है, 12,500 और टैक्स अमाउंट, 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवरेज लोअर, 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवरेज लोअर की रिबेट मिलती है। इसी रिबेट के कारण क्या होता है, जो भी बंदा है जिसकी इनकम अगर 5 लाख तक है, जो भी इंडिविजुअल वगैरह है उनकी अगर इनकम 5 लाख तक है, तो उस केस में क्या होता है, उनकी इनकम पूरी की पूरी एग्जम्प्ट हो जाती है, इस रिबेट के कारण होती है। अब इसमें बता रखा है, ये रिबेट जो है ये कैपिटल गेन की जो इनकम होती है 112A वाली, देखो 112A में एक LTCG बता रखा है स्पेसिफाइड एसेट पे, स्पेसिफाइड एसेट मतलब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह पे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह पे अगर आपको LTCG होता है तो 112A में टैक्सेबल होता है, तो 112A में जो कैपिटल गेन आया उस इनकम से ये रिबेट नहीं मिलती, बाकी सभी इनकम से मिल जाती है, लॉटरी वगैरह से भी मिल जाती है, लेकिन कैपिटल गेन वाली जो इनकम होती है 112A वाली उस इनकम से ये रिबेट नहीं मिलती। और ध्यान रखना, ये रिबेट खाली इंडिविजुअल को मिलती है एक तो, और इंडिविजुअल भी कौन सा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती, इंडिविजुअल को मिलती है और रेजिडेंट इंडिविजुअल को। इनकम टैक्स में नॉन रेजिडेंट को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब कोई इंडिविजुअल है उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट उस नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखना। आगे बता रखा है, फर्म लोकल अथॉरिटी पे फ्लैट रेट लगती है 30%, मान लो इनकी अगर 10 रुपये की भी इनकम होगी 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा, फ्लैट रेट है। फिर कंपनी देखा, कंपनी दो तरह की होती है, डोमेस्टिक कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मतलब या तो कोई इंडियन कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो डिविडेंड का पेमेंट अपनी इंडिया वाली इनकम से करती है, वो बन जाती है डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। अब आप बोलोगे इंडियन कंपनी क्या होती है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और जो इंडियन कंपनी सेक्ट में रजिस्टर्ड है वो होती है इंडियन कंपनी। अब टैक्स रेट क्या है डोमेस्टिक कंपनी में, देखो अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या ग्रोथ रिसीट प्रीवियस ईयर 2021 का, प्रीवियस ईयर 2021 का देखेंगे अपन, अपना अभी प्रीवियस ईयर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है 2022-23, तो अपन को 2 साल पुराना देखना पड़ेगा, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अपना है 2022-23, अपन 2022-23 प्रीवियस ईयर का टैक्स निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो टर्नओवर देखेंगे कब का देखेंगे, 2 साल पुराना प्रीवियस ईयर 2021 का। तो अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या ग्रोथ रिसीट प्रीवियस ईयर 2021 का आपको दे रखा है और कितना दे रखा है अप टू रुपीज़ 400 करोड़ दे रखा है, तो 25% टैक्स रेट लगेगी, लेकिन क्वेश्चन में टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा दे रखा है 2021 का टर्नओवर, तो 30% टैक्स रेट लगेगी। क्वेश्चन में मान लो टर्नओवर दे ही नहीं रखा, क्या लगाओगे 30% लगाओगे। मान लो कंपनी न्यू फॉर्म हुई है, पहले थी नहीं, 2021 में कंपनी नहीं थी, क्या लगाओगे 30% लगाओ। तो टर्नओवर अगर दे रखा है 400 करोड़ से ज़्यादा दे रखा है तो 30 लगा देना, नहीं दे रखा तो भी 30 लगा देना, न्यू फॉर्म हुई है तो भी 30 लगा देना। 25 कब लगानी है, अगर टर्नओवर दे रखा है और कितना टर्नओवर अप टू रुपीज़ 400 करोड़ है तो ही लगानी है 25। अब फॉरेन कंपनी मतलब क्या होता है, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट क्या रहेगी 40%, फॉरेन कंपनी पर रहेगी 40%। फिर अपने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लगता है स्लैब। अब इनका स्लैब क्या है, 10,000 तक टोटल इनकम 10% की टैक्स रेट, 10,000 से 20,000 वाली इनकम पे 20% टैक्स रेट, और अबाउट 20,000 जो भी इनकम है उस पर 30% टैक्स रेट, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्लैब। अब अपने देखा उसके बाद सरचार्ज, सरचार्ज क्या होता है, टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगता है, बेसिकली अमीर लोगों पे लगता है जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, टैक्स के ऊपर लगता है ये इनकम के ऊपर नहीं लगता। अपन जो टैक्स लगा रहे थे टैक्स की रेट वो तो इनकम पे लगा रहे थे, लेकिन टैक्स के ऊपर लगता है सरचार्ज, सरचार्ज किसके ऊपर लगता है, टैक्स के ऊपर, तो टैक्स ऑन टैक्स होता है ये। अब सरचार्ज की रेट क्या दे रखी है वो देख लो, इंडिविजुअल HUF AOP BY आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनकी अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 लाख से ज़्यादा लेकिन अप टू रुपीज़ 1 करोड़ है 10% ऑफ टैक्स लगेगा। किसका लगेगा, ये टैक्स का लगता है, इनकम का नहीं लगता, कुछ लोग गलती से इनकम का लगा देते हैं। अबव 1 करोड़ है लेकिन अप टू रुपीज़ 2 करोड़ है 15% ऑफ टैक्स लगेगा, अबव 2 करोड़ है अप टू रुपीज़ 5 करोड़ है 25% ऑफ टैक्स लगेगा, और अबव 5 करोड़ है अगर इन बंदों की टोटल इनकम तो 37% ऑफ टैक्स लगेगा।
अब ये जो सरचार्ज की जो रेट है ना, फ्लैट रेट है, ये स्लैब नहीं है। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल उसकी इनकम आ रही है 5 करोड़ 50 लाख, तो 5 करोड़ 50 लाख पर जो भी टैक्स बनता है उस पर क्या रेट लगेगा सरचार्ज? 37%। ऐसा नहीं कि पहले 50 लाख तक नील, फिर 10%, फिर 15, फिर 25, ऐसा नहीं करेंगे। ये फ्लैट रेट है, ये फ्लैट रेट है। और सरचार्ज किसका लगता है? टैक्स का लगता है। देखो ये 10% जो अपन करते हैं, 10, 15, 25, 37, किसका करते हैं? टैक्स का करते हैं, इनकम का नहीं करते। जो भी आपका टैक्स अमाउंट आता है ना, उस टैक्स का करते हैं। अब इसमें एक नोट दे रखा है, सरचार्ज की जो हायर रेट है 25% वाली और 37% वाली, 25% वाली और 37% वाली, मतलब 2 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम आती है तो ये सरचार्ज की जो हायर रेट है, 4 इनकम पे अप्लाई नहीं होगी। कौन कौन से इनकम पे अप्लाई नहीं होगी? 111A वाला जो STCG उस पर नहीं लगेगी, 112A वाला LTCG उस पर नहीं लगेगी, 112 का LTCG उस पर नहीं लगेगी, वो डिविडेंड इनकम पे। एक STCG 111A में आएगा कि अगर आपको स्पेसिफाइड असेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर वगैरह पे, तो 111A में टैक्सेबल होता है वो 15% से। ऐसे ही एक LTCG होता है 112A का, स्पेसिफाइड असेट वाला। अब इसमें इस बार अमेंडमेंट करके एक LTCG और एड कर दिया गया 112 वाला, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना, दो सेक्शन में टैक्सेबल होता है, या तो 112A में टैक्सेबल होता है या 112 में। तो LTCG तो पूरा कवर कर लिया यहाँ पे, STCG कवर किया 111A वाला, LTCG पूरा कवर कर लिया, और डिविडेंड की इनकम। इन इनकम पे कभी भी सरचार्ज की डेट 25 और 37 वाली नहीं लगेगी, चाहे कितनी भी आई इनकम। इन पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है? 15%। कितना लग सकता है? 15। 25 और 37 नहीं लगेगी। मान लो ये इनकम आपकी 10 करोड़ की आ रही है, तो सरचार्ज कितना लगाओगे? 15 ही लगाओगे, 25 और 37 नहीं लगाना इन इनकम। तो कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, LTCG 112A वाला, LTCG 112 वाला इसी बार ऐड हुआ है, ये इसी बार ऐड हुआ है, और एक डिविडेंड की इनकम। इन इनकम पे सरचार्ज की रेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15%। अब इसी को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया मैंने, और इसमें एक स्पेशल केस हो रहा है। इनकम टैक्स वालों ने एक स्पेशल केस बता रखा है कि अगर आपकी मान लो इन नेचर की इनकम है, मतलब ये कैपिटल गेन और डिविडेंड वाली इनकम, आपकी कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम बोलेंगे अपने इसको, तो आपकी कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम भी है, और आपकी मान लो अदर इनकम भी, अदर इनकम मतलब PGBP वाली इनकम है, या मान लो आपकी हाउस प्रॉपर्टी वगैरह की इनकम भी है, तो क्या करोगे आप? तो देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, एक रोहित है, 5-6 केस लिए मैंने, वो केस देखते हैं। पहले केस में देखो रोहित की कैपिटल गेन और डिविडेंड वाली इनकम, कौन सी इनकम की बात हो रही है? इस इनकम की बात हो रही है जिस पे सरचार्ज कितना लग सकता है? मैक्सिमम 15। मैक्सिमम कितना लग सकता है? 15, ये बात ध्यान रखना। तो वो दे रखी है 15 लाख की, अदर इनकम दे रखी है रोहित की 30 लाख की, टोटल इनकम हो गई 45 लाख की। तो देखो पहले केस में टोटल इनकम रोहित की 45 लाख हो गई, बताओ सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ऊपर देखो सरचार्ज 50 लाख तक लगता ही नहीं है, 50 लाख तक टोटल इनकम है। तो दोनों केस में, चाहे वो डिविडेंड वाली इनकम हो, चाहे अदर वाली इनकम हो, चाहे कैपिटल गेन डिविडेंड वाली इनकम हो, चाहे अदर इनकम हो, दोनों में नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल सिंपल सा केस है। सेकंड केस, कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम 50 लाख है, अदर इनकम 40 लाख है, टोटल इनकम होगी 90 लाख। टोटल इनकम देखो 50 लाख से ज़्यादा है, लेकिन अप टू 1 करोड़ है। अपन सरचार्ज क्या देख के लगाते हैं? टोटल इनकम देख के। तो टोटल इनकम 90 लाख, तो यहाँ सरचार्ज लग जाएगा। क्या रेट लगेगी सरचार्ज की? देखो ऊपर आ जाओ, 10% ऑफ टैक्स। अब टू रुपीज़ 1 करोड़ है, 10% लगता है ना, तो 10% ऑफ टैक्स के अकॉर्डिंग अपन सरचार्ज लगा देंगे, दोनों इनकम पे 10 लगा देंगे। 10 में कोई दिक्कत नहीं है, 10 में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद थर्ड केस, दूसरा वाला केस भी हो गया बिल्कुल सिंपल सा। थर्ड केस, 80 लाख की कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम दे रखी है, 90 लाख की अदर इनकम दे रखी है, 1 करोड़ 70 लाख की टोटल इनकम होगी, 1 करोड़ से ज़्यादा, अप टू रुपीज़ 2 करोड़, सरचार्ज की रेट क्या होगी? 15%। तो कैपिटल गेन डिविडेंड पे भी 15 लगा देंगे और अदर पे 15 लगा देंगे, 15 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 15% तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले केस में भी। ये केस भी हो गया। अब आ जाओ, अब स्पेशल केस है, यहाँ इनकम टैक्स लो वाले आपको एक बेनिफिट देते हैं। क्या बेनिफिट देते हैं? केस नंबर 4 देखो, जो ब्लू में कर रखा है ना मैंने, ये देखो, कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम दे रखी है आपको 2 करोड़ 20 लाख, अदर इनकम दे रखी है 40 लाख। 2 करोड़ 20 लाख कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम, और अदर इनकम दे रखी है 40 लाख। टोटल इनकम दे रखी है आपको 2 करोड़ 60 लाख की, 2 करोड़ 60 लाख की टोटल इनकम दे रखी है। अब देखो, अब अपन ने पढ़ा था, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन अब टू रुपीज़ 5 करोड़ है, 25% की रेट लगेगी सरचार्ज की, 25% की सरचार्ज की रेट लगेगी। अब मैंने बताया कि अगर कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम होती है, उन पे तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगता है? 15 लग सकता है, 25 और 37 तो लग नहीं सकता, 25 और 37 तो लग ही नहीं सकता। तो अपने कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम पे जो टैक्स बन रहा है, देखो कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम पे जो टैक्स बन रहा है, इस पे तो लगा दिया 15, क्योंकि इस पे तो मैक्सिमम कितना लग सकता है? 15। इस पे तो 15 लगा दिया। अब आप बोलोगे अदर इनकम पे क्या लगाएंगे? जो अदर इनकम 40 लाख की बच गई, इस पे क्या लगाएंगे? अपन तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या करेंगे, अपन टोटल इनकम देखेंगे। देखो टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा आ रही है, 2 करोड़ 60 लाख आ रही है, 2 करोड़ से ज़्यादा, अप टू रुपीज़ 5 करोड़ आ रही है, तो अपन को 25% लगानी चाहिए, इस पर प्रोविजन चले तो। लेकिन इनकम टैक्स वालों ने बोला इस केस में आपको एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा? आप देखो, अगर आपकी ये टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम जो आ रही है आपकी इस केस में, देखो ये 2 करोड़ 60 लाख आ रही है, ये 2 करोड़ से जो ज़्यादा जा रही है, ये 2 करोड़ से जो ज़्यादा जा रही है, इसका जो कारण है, इसका जो रीज़न है, वो कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम है क्या?
अगर आपकी ये टोटल इनकम जो 2 करोड़ 60 लाख जा रही है, 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, इसका रीजन, इसका जो कारण है, कैपिटल गेन और या डिविडेंड की इनकम है क्या? अगर कैपिटल गेन या डिविडेंड की इनकम के कारण ये 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, अगर ये टोटल इनकम आपकी कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के कारण ज़्यादा जा रही है, तो आप क्या करो, उस अदर इनकम पे भी 15% लगा लो, 25 मत लगाओ, आप तो क्या करो 15 लगा लो। प्रोविजन के अकॉर्डिंग 25 लगना चाहिए था, क्योंकि अपन देखते क्या है, टोटल इनकम, अपन इनकम को बाइफरकेट करके टुकड़ों में बांट के नहीं देखते, अपन सीधा टोटल इनकम देखते हैं सर जांच के लिए। लेकिन इन्होंने इस केस में बोला कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से जो ज़्यादा जा रही है, उसका रीजन क्या है, कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम है, तो आप क्या करो, अदर इनकम पे भी 15% लगा दो। अब अदर इनकम आपकी 40 लाख थी, इस पर आपने 15% लगा दिया। ये मत सोचना 40 लाख 50 लाख से कम है तो चलो अपन लगाते ही नहीं, ऐसा मत सोचना, अपन इनकम को टुकड़ों में बांट के नहीं देखते। ये तो इन्होंने बेनिफिट दे दिया आपको कि 25 की जगह आप चलो 15 लगा दो। तो ये एक स्पेशल सा प्रोविजन था, आपके काम का नहीं है, काम का इसलिए नहीं है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यू में पूछेगा तो एमसीक्यू में ये नोट पूछेगा, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन समझा रखा था आपको सीबीडीटी वालों ने एग्जांपल देके, तो मैंने भी आपको समझा दिया, अकॉर्डिंग लगेगा। अगला केस, फिफ्थ केस देखो, फिफ्थ केस तो बिल्कुल सिंपल है, कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम 1 करोड़ है, अदर इनकम 2.5 करोड़ है, टोटल इनकम हो गई 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ हो गई मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई, 25% लगना चाहिए, लेकिन कैपिटल गेन डिविडेंड पे लगेगा 15, ये तो 15 लगेगा, और टोटल इनकम देखो 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो अदर इनकम पे कितना लग जाएगा 25, और यहाँ अदर इनकम पे 25 क्यों लगा, यहाँ 15 क्यों नहीं लगाया? देखो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम जो जा रही है ना 3.5 करोड़, ये कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के कारण नहीं जा रही 2 करोड़ से ज़्यादा। अगर मान लो कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम नहीं भी होती, कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम नहीं भी होती, तो देखो आपकी अदर इनकम खुद ही 2 करोड़ से ज़्यादा है, अदर इनकम खुद ही आपके 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो इस कारण 25 लगा दिया। थोड़े टेक्निकल सा पॉइंट है, करना चाहो तो कर लेना, इस पॉइंट को नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब केस 6 और देख लो, कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम 3 करोड़ है, अदर इनकम 4 करोड़ है, टोटल इनकम आपकी आ गई 7 करोड़। प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखे तो 7 करोड़ पे तो लगता है 37% ऑफ टैक्स, 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम आ गई 37% का सरचार्ज लगेगा, 37% का लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 15, तो उन पे तो अपन ने 15 लगा दिया, बाकी इनकम पे अपन को लगाना चाहिए था 37, लेकिन यहाँ पे भी इनकम टैक्स वालों ने एक आपको ऑफर दे दिया, ऑफर क्या दे दिया, एक बेनिफिट दे दिया एक तरीके से, कि अगर आपकी टोटल इनकम जो 5 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, अगर ये कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम के कारण जा रही है, किसके कारण जा रही है, कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम के कारण जा रही है, कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम के कारण जा रही है, तो आप क्या करो, जो अदर इनकम है उस पर आप 25 ही लगा लो, 37 मत लगाओ उस पर, 25 लगा, उस मतलब एक नीचे वाला लगा लो, एक नीचे वाली रेट लगा लो, 25 ही लगा लो। अब देखो इस क्वेश्चन में टोटल इनकम 7 करोड़ है, अगर मान लो कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम नहीं होती तो आपकी टोटल इनकम आती 4 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा होती अप टू 5 करोड़ होती, तो रेट क्या लगती, 25 लगती। तो इन्होंने बेनिफिट दे दिया कि अगर आपकी टोटल इनकम जो 5 करोड़ को क्रॉस कर रही है, उसका रीजन क्या है, कैपिटल गेन या डिविडेंड की इनकम है, तो आप जो अदर इनकम वाले पे सरचार्ज 25% वाला लगा लो। अब केस 7 देख लो, कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम 3 करोड़ है, अदर इनकम 6 करोड़ है, टोटल इनकम होगी 9 करोड़, लगना चाहिए 37, लेकिन कैपिटल गेन डिविडेंड पे लगेगा 15, इस पे तो 15 लगेगा, और अदर पे लगा दिया 37। अदर पे 37 क्यों लगाया, टोटल इनकम 9 करोड़ थी, मान लो कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम नहीं भी होती तो भी आपकी अदर इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा थी, 6 करोड़ थी, अदर इनकम आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा थी, तो 37 लगा दिया सीधा। अब इस स्पेशल प्रोविजन को समझने के लिए मैंने एग्जांपल तो बनाया, इसका एक नोट भी बना दिया, तो क्या नोट है देखो ध्यान से देखना, अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है या 5 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है, और उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन क्या है, कैपिटल गेन या डिविडेंड इनकम है। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है, उसका रीजन क्या है, कैपिटल गेन या डिविडेंड की इनकम है, तो जो सरचार्ज रेट लगेगा अदर इनकम पे जो टैक्स बन रहा है, क्योंकि सरचार्ज होता है टैक्स का, तो अदर इनकम पे जो टैक्स लग रहा है उस पर जो सरचार्ज की रेट लगेगी वो कितनी लगेगी, उसके लिए अपन देखेंगे अदर इनकम। वैसे तो सरचार्ज के लिए हमेशा अपन क्या देखते हैं, टोटल इनकम, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने यहाँ आपको फायदा दे दिया, कब दे दिया, अगर कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के कारण अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ को क्रॉस कर जाती है तो फायदा दे दिया, फिर अपन देखेंगे अदर इनकम के लिए सरचार्ज के लिए अदर इनकम देखेंगे, टोटल नहीं देखेंगे, फिर अदर इनकम। तो अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक आती है तो 15% लगा दो, और अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन अप टू 5 करोड़ आती है तो 25 लगा दो, 2 करोड़ तक आती है तो 15 लगा दो, 2 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़ आती है तो 25 लगा दो, 5 करोड़ से ज़्यादा आती है तो 37 लगी जाएगा, बात ही खत्म है, वो तो जनरल पॉइंट में कवर हो गया। तो अदर इनकम अगर आपकी 2 करोड़ तक रहती है, मान लो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़, तो 15% लगा दो। देखो यहाँ केस में अदर इनकम आपकी थी 40 लाख, अप टू 2 करोड़ थी, अपने लगा दी 15। केस नंबर 6 में आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में थी, अपने लगा दी 25, यही किया अपन ने, अदर इनकम देख के लगा दिया। वैसे सरचार्ज अपन क्या देख के लगाते हैं, टोटल इनकम देख के लगाते हैं, लेकिन इस पॉइंट के लिए इनकम टैक्स वालों ने आपको छूट दे दी। इस पॉइंट को देखना चाहो तो देख लेना, बाकी ज़्यादा काम का पॉइंट नहीं है, लेकिन दे रखा था मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इसके बाद सरचार्ज की रेट देखिए, अपने फर्म, लोकल अथॉरिटी, कॉपरेटिव सोसाइटी, टोटल इनकम अगर 1 करोड़ तक है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा है 12% ऑफ टैक्स,
फिर कंपनी का देखा, कंपनी का डोमेस्टिक कंपनी फॉरन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ का कोई चार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ 7% ऑफ टैक्स, और अब 10 करोड़ है तो 12% ऑफ टैक्स। फॉरन कंपनी के केस में टोटल इनकम 1 करोड़ का कोई चार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज्यादा है आपको 10 करोड़ है 2% ऑफ टैक्स, और अब 10 करोड़ 5% ऑफ टैक्स। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए नील 712, फॉरन कंपनी के लिए नील 25, नील 25। फिर अपने देखा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका लगता है हर केस में लगेगा, हर एसएससी पे लगता है ये, हर केस में लगता है, हर एसएससी पे लगता है। अगर आपका 1 रुपये का भी टैक्स बनता है तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है। तो कितना लगता है, किसका लगता है, टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल होता है। अगर खाली टैक्स आ रहा है तो टैक्स का 4% लग जाता है, टैक्स के साथ सरचार्ज भी आपका बन रहा है तो टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल बनता है, टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल बनता है उसका 4% बनता है। और इसका कैलकुलेशन कब होता है, हेल्थ का, हेल्थ एजुकेशन सेस का एंड एंड में होता है। सबसे पहले आप टैक्स निकाल लेते हो, कोई रिबेट वगैरह देनी है वो दे देते हो, कोई रिलीफ वगैरह देनी है मार्जिन रिलीफ वगैरह सब दे देते हो, और एंड एंड में सरचार्ज वगैरह लगाने के बाद एंड एंड में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपन निकालते हैं, एंड एंड में करते हैं, बीच में मत कर देना नहीं आपका टैक्स गलत हो जाएगा। एंड एंड में अपन सेस लगाते हैं लास्ट ही लास्ट में। अब इसके बाद देखा अपन ने मार्जिनल रिलीफ का एक कंसेप्ट देखा। ये मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है सरचार्ज के कारण तब आपको मिलती है मार्जिनल रिलीफ। कब मिलती है, कौन से केस में मिलती है, जब आपकी इनकम जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, या तो या जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है तो मिलती है मार्जिन रिलीफ। जैसे इंडिविजुअल के केस में 50 लाख पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 2 करोड़ और 5 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज होती है इंडिविजुअल के केस में। तो अगर आपकी इनकम उस इनकम से 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से थोड़ी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 लाख ज़्यादा है या 150 ज़्यादा है, वो क्राइटेरिया नहीं है, थोड़ी बहुत फिक्स नहीं है, 1 लाख भी हो सकती है, 50,000 ज़्यादा भी हो सकती है, 2 लाख भी ज़्यादा हो सकती है, तो कोई फिक्स नहीं है उसका, तो आपको मिलती है मार्जिन रिलीफ। जैसे कंपनी के केस में 1 करोड़ पे तो सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है और 10 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज होती है, तो 1 करोड़ से थोड़ी बहुत आपकी इनकम ज़्यादा है, मान लो 1 करोड़ 1 लाख है या 10 करोड़ 1 लाख है, तो ऐसे केस में क्या मिल जाती है, मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलती है उसके लिए मैंने स्टेप लिखवाई थी आपको, क्या स्टेप थी वो देखो। सबसे पहले अपन निकालेंगे ओरिजिनल टोटल इनकम जो भी क्वेश्चन में दे रखी है उस पर टैक्स निकाल लो बिना सेस के। मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन ध्यान रखना कैसे होती है, बिना सेस की होती है, सेस का काम अपन एंड एंड में करते हैं, तो मार्जिनल रिलीफ जो निकालते अपन बिफोर सेस करते हैं, बिफोर सेस निकालते हैं, तो विदाउट सेस अपन क्या निकालेंगे, ओरिजिनल इनकम जो भी दे रखी है उस पर टैक्स निकाल लेंगे, टैक्स प्लस सरचार्ज करके टैक्स निकाल लेंगे। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल की ओरिजिनल इनकम आपको दे रखी है 51 लाख, तो 51 लाख पे अपन इनकम टैक्स निकाल देंगे बिना सेस के, 51 लाख पे टैक्स निकाल लेंगे, सरचार्ज भी लगेगा तो सरचार्ज भी लगा देंगे और टैक्स प्लस सरचार्ज निकाल देंगे स्टेप वन में। स्टेप टू में कैलकुलेट टैक्स ऑन, अब अपन को टैक्स निकालना है इंडिविजुअल के केस में, निकालना है या तो 50 लाख पे या 1 करोड़ पे या 2 करोड़ पे या 5 करोड़ पे, फर्म के केस में 1 करोड़ पे और कंपनी के केस में 1 करोड़ या 10 करोड़ पे, एज पर केस निकालना है। और ये भी कैसे निकालना है, बिना सेस के, ये भी बिना सेस के निकालना। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इंडिविजुअल के केस में 50 लाख पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज होती है, तो क्वेश्चन में आपको इनकम दे रखी होगी इन इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा, 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से थोड़ी बहुत ज़्यादा। फर्म के केस में 1 करोड़ पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है, बस फर्म के केस में एक ही जगह लगता है, तो 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज़्यादा दे रखी होगी। कंपनी के केस में 1 करोड़ पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है, 10 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज होती है, तो इस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा दे रखी होगी। तो इंडिविजुअल के केस में मान लो आपको 51 लाख की इनकम दे रखी है, 50 लाख से थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो स्टेप वन में तो 51 लाख पे टैक्स निकाल लोगे बिना सेस के, स्टेप टू में आप निकालोगे उसके आसपास की इनकम पे, आसपास की इनकम मतलब 50 लाख पे निकालोगे। मान लो इंडिविजुअल की इनकम दे रखिए 1 करोड़ 1 लाख, तो कितने में निकालोगे, सेकंड स्टेप में 1 करोड़ पे निकालोगे। मान लो इंडिविजुअल की इनकम दे रखिए 5 करोड़ 50,000, तो सेकंड स्टेप में कितने में निकालोगे, फर्स्ट में तो 5 करोड़ 50,000 में निकालोगे, सेकंड में 5 करोड़ पे। ऐसे ही मान लो कंपनी की इनकम आपको दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख, स्टेप वन में 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालोगे, स्टेप टू में जो भी एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसके आसपास की इनकम है 1 करोड़ या 10 करोड़, 1 करोड़ पे निकालो। ऐसे मान लो कंपनी की इनकम दे रखी है आपको 10 करोड़ 50,000, तो स्टेप वन में 10 करोड़ 50,000 पे टैक्स निकालोगे और स्टेप टू में 10 करोड़ पे टैक्स निकाल लोगे, बिना सेस के निकालोगे, ध्यान देना बिना सेस के निकालोगे। स्टेप थ्री में आपको निकालना है टैक्स टू बी पेड, गवर्नमेंट आपसे कितना टैक्स मांग रही है, गवर्नमेंट बोल रही है आप स्टेप टू में जो टैक्स बना आसपास की इनकम पे जो टैक्स बना एक तो वो दे दो पूरा का पूरा बिना सेस के, वो ले लो एक तो, प्लस आपने जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी है, मान लो कंपनी की आपको इनकम दे रखी थी 1 करोड़ 1 लाख की, स्टेप वन में 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाला, स्टेप टू में 1 करोड़ पे निकाला, तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो गई, 1 करोड़ से ऊपर कितनी इनकम हो गई, 1 लाख की हो गई, तो एक्स्ट्रा इनकम पूरी दे दो, एक तो स्टेप टू का टैक्स दे दो और एक एक्स्ट्रा इनकम जो भी आपने अर्न करी वो दे दो, स्टेप टू प्लस एक्स्ट्रा इनकम, ये आ जाएगा टैक्स टू बी पेड, ये भी आ जाएगा टैक्स टू बी पेड। अब आ जाएगी आपकी मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ क्या आएगी, स्टेप वन में तो आपने ओरिजिनल टैक्स निकाला था कि ओरिजिनल आपका कितना टैक्स बनता है वो ले लो, और माइनस गवर्नमेंट आपसे स्टेप थ्री मांग रही है, टैक्स टू बी पेड मांग रही है, तो ओरिजिनल टैक्स में से टैक्स टू बी पेड लेस कर दोगे, ये आ जाएगी आपकी मार्जिनल रिलीफ, ये आ जाएगी मार्जिनल रिलीफ। अब गवर्नमेंट को कितना पैसा पे करना है, जो भी टैक्स टू बी पेड बना, जो भी टैक्स टू बी पेड बना ये पे कर देना, और लास्ट ही लास्ट में 4% सेस इसमें ऐड कर देना, ये आ जाएगा टोटल टैक्स पेबल, टैक्स टू बी पेड में 4% सेस ऐड कर देना, ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स पेबल, क्योंकि अपन ने मार्जिनल रिलीफ निकाली बिना सेस के निकाली, बिफोर सेस निकाली है, तो गवर्नमेंट कितना टैक्स मांगेंगी आपसे, टैक्स टू बी पेड प्लस 4% सेस। ये थी मार्जिनल रिलीफ जो मैंने आपको डिटेल में बताई थी, कुछ एग्जांपल भी बताए थे इसको प्रैक्टिस करने के लिए।
अब अपने देखा था उसके बाद एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स अपनी डबल टैक्सेशन रिलीफ का चैप्टर आएगा, वहाँ काम आएगी। क्या होती है, टोटल टैक्स को अपन टोटल इनकम से डिवाइड कर देते तो आ जाती है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। टोटल टैक्स को डिवाइड कर दो टोटल इनकम से, आ जाती है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। फिर अपने देखा मैक्सिमम मार्जिनल रेट, MMR। MMR क्या होती है, इंडिविजुअल की हाईएस्ट स्लैब रेट ले लो, इंडिविजुअल का हाईएस्ट सरचार्ज ले लो प्लस 4% सेस रेट कर दो। हाईएस्ट इंडिविजुअल की स्लैब रेट क्या होती है, 30%। हाईएस्ट सरचार्ज कितना होता है इंडिविजुअल का, 37% प्लस 4% सेस रेट कर दो। ये आएगी आपकी MMR। MMR कितनी है, 42.744%। ये भी अपने आगे आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगी। कितनी है ये, 42.744% MMR। ये थी अपनी जनरल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट अपने देख ली थी। उसके बाद अपने देखा था स्पेशल टैक्स रेट। अब स्पेशल टैक्स रेट दो तरह की होती है, एक होती है कंपलसरी स्पेशल रेट, एक ऑप्शनल स्पेशल रेट। एक कंपलसरी, एक ऑप्शनल। कंपलसरी स्पेशल रेट क्या बोलती है, अगर आपकी इन नेचर की इनकम है, आपकी इन नेचर की इनकम है तो कंपलसरी आपके ऊपर यही रेट लगेगी। जैसे अगर मान लो आपको STCG हो रहा है, लिस्टेड इक्विटी शेयर वगैरह पे, मतलब सर्टेन असेट पे अगर आपको STCG हो रहा है 111A वाला, तो उस पर 15% की रेट से टैक्स लगेगा, 15% ही लगेगा। ये सेक्शन सबको ओवरराइड कर देगा। ऐसे ही मान लो आपको LTCG हो रहा है, 112A वाला, 112A वाला LTCG हो रहा है, तो 1 लाख तक तो एग्जेम्प्ट हो जाता है और 1 लाख से ऊपर 10% की रेट से टैक्सेबल होता है, तो उसमें वो 10% की रेट ही लगेगी। ये सब सेक्शन क्या करेगा, सभी को ओवरराइड कर देगा। ऐसे ही मान लो आपको LTCG हो रहा है अदर असेट पे, लैंड वगैरह पे, बिल्डिंग वगैरह पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो 112 में जाएगा और 112 पे 20% की रेट से टैक्सेबल होगा। ऐसे ही आपको लॉटरी की इनकम हो रही है तो वो 30% की रेट से टैक्सेबल होगी 115BB में। ऐसे ही आपको ब्लैक मनी की इनकम हो रही है तो वो 60% से टैक्सेबल होती है, उसमें सरचार्ज लगता है 25, वो अलग बात है, लेकिन 60% है वो टैक्सेबल हो जाती है। तो ये सब क्या है, कंपलसरी स्पेशल रेट वाले सेक्शन है। ऐसे नॉन रेजिडेंट के लिए काफ़ी सारे सेक्शन आएंगे, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। नॉन रेजिडेंट के लिए चैप्टर आएगा NR टैक्सेशन, उसमें 8-10 सेक्शन आएंगे। ऐसे स्पेशल रेट लगती है नॉन रेजिडेंट पे, काफ़ी सारी स्पेशल रेट। तो ये होती है कंपलसरी स्पेशल रेट, आपको कंपलसरी यही फॉलो करनी पड़ती है, आप अपने मन से दूसरा नहीं फॉलो कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो इन इनकम पे भी मेरी जनरल रेट लगा दो, ऐसा नहीं बोल सकते। ये ऐसे सेक्शन हैं, इन पर कंपलसरी यही रेट लगेंगे। अब आप बोलोगे ऑप्शनल स्पेशल रेट कौन सी है और ये ऑप्शन किसके लिए दिया गया है। देखो ऑप्शनल स्पेशल रेट एक तो कंपनी के लिए बनी है, एक तो कंपनी का वर्ड है, एक इंडिविजुअल HUF का वर्ड है और एक कॉपरेटिव सोसाइटी। कंपनी, इंडिविजुअल HUF, कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए कुछ ऑप्शनल सेक्शन बने हुए हैं। अब ये ऑप्शनल सेक्शन किसके लिए बने हुए हैं, इन कंपनी को, इंडिविजुअल HUF को और कॉपरेटिव सोसाइटी को, अगर मान लो कोई जनरल इनकम होती है, जनरल रेट वाली इनकम होती है, तो उस पर चाहे तो ये कंपनी, इंडिविजुअल HUF, कॉपरेटिव सोसाइटी, चाहे तो ये ऑप्शनल स्पेशल रेट लगा दें, चाहे तो फाइनेंस एक्ट में अपने जो जनरल रेट पड़ी थी वो लगा दें। जैसे मान लो कंपनी को इनकम हो रही है, जनरल इनकम हो गई, PGBP हेड की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, ये जनरल इनकम हो गई। इन इनकम पे कंपनी चाहे तो जो फाइनेंस एक्ट में रेट दे रखी है, कौन सी, 25% वाली, 30% वाली, वो लगा दे, या तो या 115BA या BAB में जो रेट दे रखी है वो लगा दे, इनको ऑप्शन दे रखा। ऐसे ही इंडिविजुअल के लिए अपन ने फाइनेंस एक्ट में एक स्लैब पढ़ा था, 2.5 लाख वाला, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाला। इंडिविजुअल चाहे तो वो स्लैब लगा ले, चाहे तो जनरल इनकम के लिए, चाहे तो 115BAC वाला ऑप्शनल स्लैब लगा ले। ये जनरल इनकम के लिए दे रखी है रेट, किसके लिए दे रखी है, जनरल इनकम के। स्पेशल जो कंपलसरी स्पेशल इनकम होती है, जो मैंने बताई आपको, देखो कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने, रेजिडेंट के केस में 4 सेक्शन तो ये होते हैं, 2-3 सेक्शन और होते हैं रेजिडेंट के केस में, लेकिन नॉन रेजिडेंट के तो काफ़ी सारे हैं कंपलसरी वाले, उन पे तो कंपलसरी यही रेट लगती है, इनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी बाकी इनकम बच गई उनके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, बाकी जो अदर जनरल इनकम बच गई। अब इन सेक्शन को अपन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले 115BAA, BAA बोलता है डोमेस्टिक कंपनी की इनकम पे आप टैक्स रेट लगा सकते हो 22%। 115BAA देख रहे हैं, 22% लगा सकते हो, 22% लगाओगे, लेकिन इस सेक्शन में सरचार्ज लगेगा, कंपलसरी सरचार्ज। इस सेक्शन में वो फाइनेंस एक्ट वाला सरचार्ज नहीं लगेगा, कंपनी का सरचार्ज देखा था ना अपने ऊपर, नील 7-12% वाला, वो कुछ काम का नहीं है, वो काम ही नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ सरचार्ज लगेगा कंपलसरी कितना, 10% का कंपलसरी सरचार्ज लगेगा, 10% ऑफ टैक्स प्लस 4% सेस लगेगा, और टोटल रेट आपकी आ जाएगी 25.168% की, अफेक्टिव रेट आ जाएगी 25.168% की। निकाल के देखना चाहो तो निकाल के देख, ये किसके लिए बोल रखा है, 115BAA के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, डोमेस्टिक कंपनी है, नीचे लेता हूँ मैं एक एग्जांपल, यहीं ले लेता हूँ, चलो एक कंपनी है ए लिमिटेड, 115BAA फॉलो कर रही है मान लो, तो अब 115BAA फॉलो कर रही है तो इसकी इनकम पे टैक्स कैसे लगाओगे, तो देखो कैसे लगाओगे, इसमें ध्यान से देखना। इसकी मान लो आपको दे रखी है PGBP हेड की इनकम दे रखी है, इसके अलावा मान लो इसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है ये भी। इसके अलावा मान लो इसकी आपको दे रखी है LTCG 112 वाला दे रखा है, लॉटरी की इनकम दे रखी है, ये 4 तरह की इनकम दे रखी है मान लो, PGBP की दे रखी है इनकम, ये मान लो इनकम दे रखी है। अब बताओ ए लिमिटेड का आप टैक्स निकालोगे, ये इनकम दे रखी है मान लो 10 लाख की, मैं लिख भी देता हूँ एक बार इनकम, ये मान लो 1 लाख की दे रखी है, LTCG 2 लाख का दे रखा है 112 वाला, और लॉटरी मान लो 5 लाख की दे रखी है, ये इनकम दे रखी है इसकी। अब ए लिमिटेड 115BAA फॉलो करती है, क्योंकि देखो फॉलो कर सकती है, ऑप्शन दे रखा है डोमेस्टिक कंपनी को, ऑप्शन दे रखा है, चाहे तो ये 115BAA फॉलो कर ले, नहीं तो
25 और 30% वाली जो फाइनल सेट वाली रेट है वो फॉलो कर ले, ऑप्शन है। तो मान लो 115 बी ए फॉलो करती है तो क्या होगा, 25 और 30% वाली फॉलो करती है तो अपन वो रेट लगा देंगे 25 और 30, लेकिन बी ए फॉलो करती है तो देखो क्या होगा, पीजीबीबी की इनकम पे लगा देंगे 22%, 22% ही देना देखो इसमें, 22% टैक्स। हाउस प्रॉपर्टी भी लगा देंगे 22%, क्योंकि जनरल इनकम है। 22% की जो रेट लगेगी किस पे लगेगी, जनरल इनकम पे, किस पे लगेगी, जनरल रेट इनकम पे, जनरल रेट इनकम पे लगेगी। अब देखो 112 वाला एलटीसीजी है, इस पे तो क्या लगती है, कंपलसरी स्पेशल रेट लगती है, कितनी, 20% की, तो इस पे लगाएंगे अपन 20% की कंपलसरी स्पेशल रेट। और लॉटरी की इनकम है 115 बीबी में टैक्सेबल होती है, किस रेट से, कंपलसरी रेट लगती है 30%, इस पे 30 लगाएंगे। तो अगर मान लो कोई एसएससी 115 बीएए फॉलो करता है या बीएबी बीएडी वगैरह कोई भी फॉलो करता है, तो जो कंपलसरी वाले स्पेशल रेट वाले सेक्शन है इन पे तो हमेशा कंपलसरी रेट लगेंगे, चाहे आप ऑप्शनल वाली स्पेशल रेट फॉलो करो, चाहे आप फाइनेंस वाली रेट फॉलो करो, चाहे इनकम टैक्स वाली रेट फॉलो करो, चाहे फाइनेंस वाली रेट फॉलो करो, ये जो सेक्शन है सभी को ओवरराइड करते हैं, ये बात ध्यान रखना। कुछ लोग सोचते हैं 115 बीएए में अपन सभी इनकम पे एक ही रेट लगा देंगे 22, ऐसा नहीं होता। जो आपकी स्पेशल कंपलसरी रेट वाली सेक्शन इनकम है, कंपलसरी स्पेशल रेट वाली इनकम है, उन पे तो कंपलसरी वही रेट लगेंगी। अगर आप मान लो फाइनेंस एक्ट वाली रेट फॉलो करते, कंपनी 115 बीएए फॉलो नहीं करती, तो क्या करते, यहाँ 25 सेंट टू कर देते, 25 या 30 जो भी है, मान लो केस 25 या 30 तो ही केस है ना उसमें, 400 करोड़ तक करना, 25 नहीं तो 30 वो करते, बाकी इस पर तो 20-30 करते। अब इस केस में एक चीज़ और हो जाएगी, 115 बीएए फॉलो करते हो तो आपने टैक्स तो निकाल दिया, टैक्स लगा के, जनरल रेट स्पेशल रेट लगा के टैक्स तो निकाल दिया आपने। अब इसमें सरचार्ज आपको कंपलसरी जोड़ना, चाहे आपका टैक्स 1 रुपये का है, चाहे 100 रुपये का है, आपकी इनकम कितनी भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपये की इनकम है, 1000 रुपये की इनकम, आपको सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा, कितना, 10% ऑफ टैक्स। सरचार्ज हमेशा टैक्स का लगता है, सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, तो टैक्स का 10% जोड़ना ही पड़ेगा आपको। कोई भी इनकम है, सभी इनकम पे सरचार्ज की एक ही रेट रहेगी। तो अगर 115 बीएए कोई कंपनी फॉलो करती है तो उसके लिए जो जनरल सरचार्ज दे रखा था फाइनेंस एक्ट वाला नील 712 कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं, उसको भूल जाना, वो सरचार्ज काम ही नहीं आएगा। तो सरचार्ज जोड़ दिया, फिर 4% सेस जोड़ दो, इस तरह से टैक्स निकलता है। अगर कोई कंपनी 115 बीएए फॉलो करती है और आपको टैक्स निकालना है तो इस तरह से निकालोगे आप, तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कुछ गलती नहीं होगी। ये मैंने आपको 115 बीएए का बता दिया। अब आगे देखा अपन ने 115 बीएबी, 115 बीएबी में कौन को पड़े, इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी। कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है या न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, और दोनों सेक्शन बीएए बीएबी डोमेस्टिक कंपनी के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए नहीं है। फॉरेन कंपनी में तो 40% की वो फाइनेंस एक्ट वाली रेट लगेगी, उनको कोई ऑप्शन नहीं है। तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, मतलब कब सेटअप हुई है वो कंपनी न्यू होनी चाहिए। सेटअप कब हुई है, 1 अक्टूबर 2019 उसके बाद हुई है तो उसको मानेंगे न्यू। कब सेटअप हुई है, 1 अक्टूबर 2019 उसके बाद हुई है सेटअप, 1 अक्टूबर 2019 उसके बाद सेटअप हुई है। दूसरा कंडीशन क्या है, वो कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं हुई, एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं बनी तो बन जाएगी न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी। टैक्स रेट इस केस में और भी कम लगेगी, कितनी, ओनली 15% से टैक्स लगेगा। यहाँ भी कंपलसरी 10% का सरचार्ज लगेगा, 4% का सेस लगेगा, और रेट आ जाएगी 17.16% की नेट रेट आ जाएगी सेक्शन में। ये था न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी का। अब इसके बाद 115 बीएडी, कोई रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लिए 115 बीएडी लग सकता है। वो चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनका 10,000 वाला स्लैब था ना वो फॉलो कर ले फाइनेंस एक्ट वाला, चाहे तो ये रेट फॉलो कर ले। इसमें क्या रेट दे रखी है, 22% का टैक्स लगेगा, 10% का कंपलसरी सरचार्ज लगेगा, और सेस लगेगा 4% का, और रेट आ जाएगी 25.16% की। अब आप बोलोगे कंपनीज वगैरह तो ये फॉलो करेंगी, इसमें काफ़ी कम रेट है, 115 बीएए में 22 है, 115 बीएबी में 15% है, कंपनीज तो ये फॉलो करेंगी। ऐसा नहीं है, अगर आप ये सेक्शन फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट या डिडक्शन त्यागने पड़ेंगे। अगर आप ये सेक्शन फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट या डिडक्शन त्यागने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन से बेनिफिट या डिडक्शन आप नहीं ले पाओगे वो देखो, एक तो आप SEZ का बेनिफिट मिलता है। SEZ में अगर मान लो किसी कंपनी की यूनिट होती है और वो एक्सपोर्ट करती है तो उसमें आपको 100% का 5 साल तक डिडक्शन मिलता है, उसके बाद आपको 50% का डिडक्शन मिलता है उस सेक्शन में, SEZ वाले में अगर आपकी यूनिट होती है तो। वो बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सेक्शन 33AB है, 33AB होता है टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट का, 33AB होता है साइट रिस्टोरेज फंड का, वो बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन नहीं ले पाओगे। 35CCC एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। 35CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। चैप्टर 6 की कोई भी डिडक्शन 80CC लेकर के 80U तक नहीं ले पाओगे। बस दो ले पाओगे, दो कौन कौन से ले पाओगे, एक तो ATJJAA ले पाओगे और एक ATM, ATJJAA है न्यू एम्प्लॉय वाली वो ले लोगे, और एक ATM होती है डिविडेंड वाली, ये दो ले पाओगे, बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इतने सारे बेनिफिट आपको त्यागने पड़ेंगे, इतने सारे बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये सब PGBP वाले हैं, ये सब PGBP हेड के हैं ये तो। ये सेक्शन 10AA का एक स्पेशल डिडक्शन है,
और ये आपका चैप्टर 6 वाली डिडक्शन है, ये आप सब आपको छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये सब आप नहीं ले पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 115BAB के लिए कोई स्पेशल नोट। 115BAB कौन सा था पहले तो ऊपर आओ, देखो ये था इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कम रेट लगाई, कितनी टैक्स की लगाई 15% टैक्स की रेट लगाई। गवर्नमेंट ने ये काम क्यों किया, इस सेक्शन को बनाया क्यों, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज खुले, काफ़ी सारी इंडस्ट्री में ग्रोथ आए, तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन बनाया था। तब उनके ऊपर टैक्स की रेट काफ़ी कम कर दी थी, ओनली 15% टैक्स कर दिया था गवर्नमेंट ने। देखो 15% कितना कम होता है, काफ़ी कम टैक्स होता है। वैसे देखा जाए 30% गवर्नमेंट टैक्स लेती है, 30% पे फिर इंडिविजुअल पे तो 37% तक सरचार्ज भी लगा देती है, तो काफ़ी कम रेट है। तो गवर्नमेंट ने बोला इसके लिए कुछ स्पेशल नोट दिया। स्पेशल नोट क्या दिया कि 115BAB में कुछ बिजनेस कवर नहीं होंगे, कुछ बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, कुछ बिजनेस को आप इंडस्ट्री नहीं मानोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानोगे। कौन कौन से बिजनेस है, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इसमें कवर नहीं होगा, चाहो तो 115BA ले सकते हो, बीए भी नहीं लगोगे। प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स का बिजनेस यहाँ कवर नहीं होगा, माइनिंग का बिजनेस कवर नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कवर नहीं होगा, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इनटू स्लैब्स, अगर आप मार्बल ब्लॉक्स को स्लैब्स में कन्वर्ट करते हो वो भी कवर नहीं होगा, और बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, सिलेंडर में गैस भरने का बिजनेस आपका, वो भी कवर नहीं होगा। ये सारे बिजनेस कवर नहीं होंगे। कौन कौन से, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स, माइनिंग, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इनटू स्लैब्स, बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, इनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा और ये 115BAB में कवर नहीं होंगे। चाहो तो आप 115BAA फॉलो कर सकते हो इन बिजनेस के लिए। मान लो ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया, न्यू स्टार्ट किए 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्टार्ट किए, फिर भी आप 115BAB नहीं ले सकते, आप चाहो तो BAA ले सकते हो, ये बताया। हाँ, और कोई मैन्युफैक्चरिंग, और कोई बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग का, मान लो आप मोबाइल बनाते हो, मान लो आप कपड़े बनाते हो, सब ले लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बिजनेस कवर नहीं होंगे। इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आपका सब कवर हो जाएगा। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ होती है, मैंने बताया ये सेक्शन क्यों बनाया गया है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला हमने इसमें टैक्स रेट आपको 15% की जो टैक्स रेट बताइए ना, ये ओनली किस पे लगेगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो इनकम होगी, मतलब PGBP हेड की आपकी जो इनकम आएगी मैन्युफैक्चरिंग वाली, PGBP हेड से जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो इनकम आएगी उसी पे लगाना ये रेट 15%। फिर बाकी पे क्या करोगे आप, जैसे आपको मान लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, डिविडेंड की इनकम होगी, इंटरेस्ट की इनकम होगी, इनकी रेट तो इनकम टैक्स दे नहीं रखी, ये तो जनरल इनकम होती है, इन पे क्या करोगे। तो इन्होंने बोला अदर जनरल रेट इनकम, इसके अलावा PGBP हेड की जो इनकम आएगी मैन्युफैक्चरिंग वाली, उसको छोड़ के जो अदर इनकम है जनरल वाली, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की हो गई, डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह की हो गई, इस पे आप टैक्स लगाना 22% की रेट से, BAA वाली रेट लगाओ। क्या लगाओ, BAA वाली। और इसमें एक चीज़ और बोल दी इस वाले सेक्शन के लिए, स्पेशली इस वाले सेक्शन के लिए बोली है, किसके लिए, 115BAB के लिए बोली है कि अगर आपका न्यू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कंपनी हो आप, न्यू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मान लो आप कपड़े बनाते हो और आपको अदर इनकम हो रही है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है, डिविडेंड की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, गवर्नमेंट बोलेगी हमने आपको क्या करने के लिए बोला था, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बोला था, उस पर 15% लगाओ आप, ये अदर काम कर रहे हो ना, इस पर तो एक तो रेट लगेगी 22%, दूसरा इन अदर इनकम से आपको किसी भी खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कपड़े बनाती है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कपड़े बनाने से जो प्रॉफिट हुआ उस पर तो लगा देंगे 15% रेट। अब उस कंपनी को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है, रेंट मिल रहा है उस कंपनी को, रेंट मिल रहा है मान लो 1 लाख का, उसे म्युनिसिपल टैक्स भी पे कर रखा है, तो बताओ म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दे दोगे नहीं दोगे, ग्रोस बेसिस पे टैक्स हो जाएंगे। अब आप बोलोगे हाउस प्रॉपर्टी में एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा, 115BAB में नहीं मिलेगा, BA वगैरह मिल जाता लेकिन BAB में नहीं मिलेगा। BAB में थोड़ी हार्श प्रोविजन बना दी इन्होंने कि अगर आप अदर इनकम करते हो तो अदर इनकम पे 22% टैक्स लगेगा और कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, तब और समझ में आ जाएगा आपको ये पॉइंट। तो मैं 115BAB का एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कंपनी है बी लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग करती है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये फॉलो कर रही है 115BAB फॉलो कर रही है, कर सकती है 115BAB, ऑप्शन दे रखा है इसको। अब इसको इनकम हो रही है, मान लो एक तो इसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से इनकम हो रही है PGBP हेड की, मैन्युफैक्चरिंग करने से PGBP हेड की इनकम हो रही है, मान लो इसको 50 लाख की बी लिमिटेड को। इसके अलावा इसकी रेंट की इनकम आ रही है, रेंट आ रहा है इसको हाउस प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख का रेंट आ रहा है। इसने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है हाउस प्रॉपर्टी का, म्युनिसिपल टैक्स होता है ना हाउस प्रॉपर्टी का, म्युनिसिपल टैक्स पे किया है मान लो 1 लाख का म्युनिसिपल टैक्स जो होता है हाउस प्रॉपर्टी में, जिसकी डिडक्शन मिलती है अगर आपने इंटर में पढ़ रखा हो तो। इसके अलावा इसको मान लो डिविडेंड की इनकम होती है 2 लाख की, लॉटरी की इनकम हो रही है, मान लो इसको लॉटरी इनकम 5 लाख की, ये इनकम दे रखी है। अब 115BAB फॉलो कर रही है, देखो टैक्स की रेट कैसे लगेगी, ध्यान देना। मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस इनकम है उस पर तो लग जाएगी 15%, खाली उसी पे लगेगी बस 15%, उसी पे 15% लगेगी।
रेंट की इनकम पे कितनी लगेगी? रेंट की इनकम पे देखो, अदर जनरल इनकम जो है, अदर जनरल रेट इनकम 22 लगेगी। कितने लगेगी? 22। और दूसरा इस रेंट की इनकम जो 10 लाख है, ये 10 लाख पूरी की पूरी ले लेंगे। 10 लाख में से अपन म्यूनसिपल टैक्स जो पे किया है इसका डिडक्शन नहीं देंगे, ये म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 9 लाख पे 22 लगा दी, पूरे 10 लाख पे लगा देंगे। और 9 लाख जो आया, मान लो 10 लाख रेंट था, 1 लाख म्यूनसिपल टैक्स हो गया, बता 9 लाख। आप बोलोगे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो, वो भी नहीं मिलेगा। 115BAB में वो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। और एक होता है इंटरेस्ट वाला डिडक्शन भी होता है, एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाला हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आप अदर इनकम कमाते हो, बिजनेस आपका न्यू मैन्युफैक्चरिंग का और आप अदर इनकम कमाते हो, तो वो ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 115BAB में बोल रखा है, 115BA में ऐसा कुछ बात नहीं है, 115BA में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मिल जाएगा आपको रेंट में से, रेंट में से आपको म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन भी मिल जाएगा, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब मिल जाएंगे वहाँ पे। लेकिन BAB में ये नहीं मिलेगा। डिविडेंड की इनकम पे लगा देंगे 22%, क्योंकि डिविडेंड भी क्या है, अदर जनरल इनकम है, 22 लगा देंगे। लॉटरी की इनकम पे बताओ क्या लगाओगे? लॉटरी तो स्पेशल रेट वाली इनकम है, कंपलसरी स्पेशल रेट वाली। कितनी लगती है लॉटरी पे? 30% लगाएंगे। ऐसे ही मान लो LTCG होता 112 वाला, कितनी लगाते हैं? 20 लगाते हैं। उन पे तो वही लगेगी, चाहे आप BAA करो, BAB करो, कुछ भी करो, उनसे मतलब नहीं। ये आपका आ जाएगा टैक्स। सरचार्ज लगाओगे, सरचार्ज कितना लगता है इस पे? कंपलसरी 10%। इन सेक्शन में एक फायदा, सरचार्ज आपको सोचना नहीं पड़ता, सीधा 10% लगा दो आपको। जो भी टैक्स बना, कितना भी नहीं है, कितना भी बना कुछ मतलब नहीं है, सीधा 10% लगा दो। सरचार्ज लगा दोगे, फिर 4% सेस ऐड कर दोगे, काम खत्म। तो इस तरह से इस सेक्शन में टैक्स लगता है। तो इस सेक्शन में अगर आपको अदर जनरल इनकम होती है, उस अदर जनरल इनकम में 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं मिलता, सीधा ग्रोस बेसिस पे जितनी इनकम हुई पूरी टैक्सेबल हो जाती है। 115BAB अगर आप फॉलो कर लेते हो, ये बात ध्यान रखना। और काफ़ी सारे बेनिफिट तो त्यागने पड़ते ही हैं, ये वाले तो ऊपर देखे थे, ये सबके लिए त्यागने पड़ते हैं। BA में भी, BAB, BAD, ये तो त्यागने पड़ते ही हैं, ये तो छोड़ने पड़ते ही हैं। इसके अलावा ये स्पेशल पॉइंट और था BAB के लिए। अब इसमें आगे बता रखा है 115BAA BAB BAD, अगर आप एक बार फॉलो कर लेते हो, फिर आपको जिंदगी भर यही फॉलो करना पड़ेगा, फिर जिंदगी भर आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। अब एग्जाम में कौन सा फॉलो करोगे? नॉर्मल वाला करोगे या ये फॉलो करोगे? आपको घबराने की नीड नहीं है। एग्जाम में साफ लिख के देगा क्वेश्चन में कि SSC फॉलोस 115BAB या 115BAA, साफ लिखेगा। क्या लिख देगा? अजूम SSC डज नॉट फॉलो 115BAA या 115BAB, साफ लिख देगा। तो अजूम लिख, उसमें लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लो अजूम SSC फॉलोस 115BAA, तो 115BAA कर लेंगे। लिख रखा है क्वेश्चन में अजूम SSC फॉलो 115BAB, तो BAB कर लेंगे। मान लो क्वेश्चन में साफ लिख रखा है अजूम SSC डज नॉट फॉलो 115BAA BAB, साफ लिख रखा है, तो अपन ये करेंगे नहीं। अपन जनरल वाला जो है ना, अपना फाइनेंस एक्ट वाला, वो कर लेंगे। तो क्वेश्चन में साफ लिख के देगा, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, कभी भी टैक्स निकलवाएगा, साफ लिख के देगा। अब आ जाओ अगला सेक्शन 115BAC, इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल HUF। कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी HUF है, उनको एक ऑप्शनल स्लैब मिलेगा। तो या देखो, यहाँ इंडिविजुअल कोई भी कवर्ड है, मतलब चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, दोनों को मिलेगा। रेजिडेंट को मिलेगा ये ऑप्शनल स्लैब, और नॉन रेजिडेंट को भी मिलेगा। ऐसे ही वो इंडिविजुअल की एज कुछ भी हो, चाहे 60 ईयर्स है, चाहे 80 ईयर है, चाहे 90 ईयर है, चाहे 50 ईयर है, सभी के लिए यहाँ पे एक ही स्लैब है। ऊपर फाइनेंस एक्ट में तो 3 स्लैब थे, 2.5 लाख वाला था नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, 60 ईयर्स वाले के लिए 3 लाख वाला था, और 80 ईयर वाले के लिए 5 लाख का था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सभी के लिए एक ही स्लैब बना हुआ है। अब वो इंडिविजुअल चाहे तो ये स्लैब फॉलो कर ले ऑप्शनल वाला, चाहे तो वो फाइनेंस एक्ट वाला कर ले अपनी जनरल इनकम के लिए। लॉटरी वगैरह की इनकम पे तो स्पेशल रेट लगेगी, वो तो अलग बात है, लेकिन जनरल इनकम पे चाहे तो इंडिविजुअल ये स्लैब फॉलो कर ले ऑप्शनल वाला, चाहे तो फाइनेंस एक्ट वाला कर ले, कोई सा भी कर सकता है। अब 115BAC का स्लैब क्या बोलता है, ये थोड़ा बड़ा स्लैब है, क्या बोलता है? 250 तक कोई टैक्स नहीं, 250 से 5 लाख वाली इनकम पे 5%, 5 लाख से 750 वाली इनकम पे 10%, 750 से 10 लाख वाली इनकम पे 15%, 10 लाख से 1250 तक 20%, 1250 से 15 लाख वाली इनकम पे 25%, और अबव 15 लाख पे जो इनकम है उस पे 30%। मतलब इधर आप इनकम को, टोटल इनकम को 250,000 से बढ़ाते जाओ, इधर टैक्स की रेट 5% से बढ़ती जाएगी। देख लो, 250 से इनकम बढ़ाओ, 5% से टैक्स की रेट बढ़ेगी। ये स्लैब है, ये स्लैब फॉलो कर सकता है। अब आप बोलोगे इंडिविजुअल ये स्लैब फॉलो करेगा, इसमें देखो ज़्यादा बेनिफिट है। उसमें तो क्या था, 5 लाख से ऊपर जाते ही 20% था, और 10 लाख से ऊपर जाते ही 30% था। लेकिन यहाँ तो देखो, 5 लाख से ऊपर जाते 10% और 15% है, फिर 10 लाख से ऊपर भी 20-25 है पहले, फिर 30, तो 15 लाख के ऊपर है, तो फायदेमंद तो ये है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इंडिविजुअल ये स्लैब फॉलो करता है, इंडिविजुअल HUF ये स्लैब फॉलो करते हैं, तो उनको काफ़ी सारे बेनिफिट और डिडक्शन त्यागने पड़ेंगे। क्या क्या त्यागने पड़ेंगे वो दे रखा है। और दूसरी बात, ये स्लैब जो है ना इंडिविजुअल HUF के लिए, AOP BUI आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन के लिए नहीं है, खाली इंडिविजुअल HUF लिखा हुआ है इसमें। अब क्या क्या बेनिफिट त्यागने पड़ेंगे वो देख लो। 10WSEZ वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। इसके अलावा देखो, इंडिविजुअल को सैलरी के काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं, काफ़ी सारे अलाउंस में एग्जिमिशन मिलते हैं, जैसे HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो उसमें एक एग्जिमिशन भी मिलती है। कितनी मिलती है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40%, 50% ऑफ सैलरी, विच एवरेज लोअर करते हो ना, वो भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अलाउंस की एग्जिमिशन मिलती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ट्रैवल एरिया अलाउंस हो गया, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस हो गया, कोई भी अलाउंस की एग्जिमिशन नहीं मिलेगी, 3 की मिल जाएगी बस। ट्रैवलिंग डेली कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग डेली कन्वीनियंस की अलाउंस की एग्जिमिशन
पहले भी मिलती थी, अभी भी मिल जाएगी। 115 BSE में भी मिल जाएगी, और अगर आप नॉर्मल वाला स्लैब फॉलो करते हो उसमें मिल जाएगी। ट्रेवलिंग डेली कन्वीनियंस अलाउंस होते हैं, जितना आप खर्चा करते हो उतने डेडक्शन इसमें मिल जाती थी। तो पहले भी मिलती थी, अभी से मिल जाएगी। लेकिन बाकी वो भी अलाउंस है, HRA है, चाहे मेडिकल अलाउंस, कोई भी अलाउंस है किसी भी नाम का, सब फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे इसमें। इसके अलावा लीव ट्रेवल कंसेशन की एक एग्जेम्पशन मिलती है आपको सैलरी में, वो भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सैलरी की डिडक्शन जो मिलती है सेक्शन 16 वाली, एक तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इनकी डिडक्शन आप नहीं ले पाओगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 की मिलती है सैलरी की, वो भी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा एक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आपको, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी 2,30,000 वाली। अगर लोन आपने परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था 2,00,000 की मिलती थी। रिपेयर के लिए लिया है लोन तो 30,000 की मिलती थी 2,30,000 वाली, वो भी नहीं मिलेगी आपको। लेट आउट प्रॉपर्टी है, मान लो आपने रेंट पे दे रखी है, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, हाँ तो मिल जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, हाँ वो भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले सेक्शन में मिल जाएगी, BSE फॉलो करते हो तो भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूनसिपल टैक्स की मिल जाएगी क्या, हाँ वो भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे BSE में, पर किसकी नहीं मिलेगी, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33ABA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 35 साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD नहीं मिलेगा, 35CCC एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। दो मिल जाएगी, कौन कौन सी मिल जाएगी, तो 80JJAA मिल जाएगी जो न्यू एम्प्लॉय वाली थी, और एक ATCCD2 मिलेगी। ATCCD2 क्या है, ये है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन अटल पेंशन योजना या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन स्पेसिफाइड पेंशन, इसकी वो मिल जाएगी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी डिडक्शन मिलती है ATCCD2 में, वो मिल जाएगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगी। अब सेम पॉइंट, लगभग सेम पॉइंट ही थे ऊपर अगर आप देखोगे ना कंपनी के केस में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सेम पॉइंट थे। बस इंडिविजुअल के केस में क्या हुआ, सैलरी के पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए। इसके अलावा देखो एक पॉइंट ऊपर था, नीचे नहीं है, कौन सा, 35CCD वाला स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कंपनी के केस में था, नीचे नहीं है। क्यों नहीं है नीचे इसलिए नहीं है, जो 35CCD सेक्शन है ना वो स्पेशली कंपनी का सेक्शन है, वो डिडक्शन वैसे भी इंडिविजुअल को मिलती ही नहीं है। अगर इंडिविजुअल मान लो नॉर्मल फॉलो करता है तो भी नहीं मिलती, वो सेक्शन ही कंपनी के लिए बना हुआ है। जब इंडिविजुअल को मिलती नहीं, उसमें नहीं मिलती, तो इसमें क्यों मिलेगी, इसमें मिलेगी। ऐसे ही डिडक्शन में देखो ऊपर एक ATM था, ATM मिल जाता था ऊपर वाले में, कंपनी के केस में ATM मिल जाता था। कंपनी अगर ये ऑप्शनल स्पेशल रेट फॉलो करती है तो ATM, ATW मिल जाता था, ATM मिल जाता था। अब ATM वाला जो सेक्शन है वो भी कंपनी के लिए है, कंपनी डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड रिसीव करती है, तो ATM का डिडक्शन मिलता है, वो भी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जब इंडिविजुअल के है ही नहीं तो डिडक्शन कैसे मिलेगी, उसकी वैसे ही नहीं मिलेगी। बाकी तो सेम पॉइंट है सारे के सारे, इतने सारे बेनिफिट त्यागने पड़ेंगे, ये सब त्यागने के बाद आप 115BSE फॉलो कर सकते हो। अब अपन ने आगे देखा था राउंडिंग ऑफ इनकम टैक्स का सेक्शन है 288A 288B। ये बोलता है आपकी जो टोटल इनकम आई या आपका जो टैक्स पेबल आया, आप चाहो तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हो नियरेस्ट रुपीज 10 में। एग्जाम में राउंड ऑफ नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत राउंड ऑफ मत करना, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको राउंडिंग ऑफ कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। राउंडिंग ऑफ करने का ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल इनकम राउंड ऑफ करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने PGBP हेड की इनकम निकाली राउंड ऑफ कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली राउंड ऑफ कर दिया, अदर सोर्स की निकाली राउंड ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं करना मन को। आपको पांचों हेड की इनकम निकालनी है, क्लबिंग करनी है, सेट ऑफ करना है, आपका आएगा GTI में से डिडक्शन लेस करनी है, आपकी आ जाएगी टोटल इनकम, फिर उसको राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करना है, उसका एग्जांपल है कि मान लो 1,080,514 दे रखा है आपको, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे अपन 1,080,510, नियरेस्ट रुपीज 10 में राउंड ऑफ करेंगे। आपको एग्जांपल दे रखा है 1,085,15, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया 1,085,520। अगर 1,2,3,4 तक है, लास्ट वैल्यू आपकी 1,2,3,4 तक है, तो लोअर राउंड ऑफ कर दो। 5,6,7,8,9 है, 5,6,7,8,9 है, तो अपर राउंड ऑफ कर दो। 1,2,3,4 तक है तो 5,1,4 को अपन ने 5,510 कर दिया। 5,6,7,8,9 होती तो क्या करते हैं अपन, 5,1,5 को अपने कर दिया 5,20। इस तरह से राउंड ऑफ होगा। टैक्स पेबल में भी अपन क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले टैक्स निकाला उसको राउंड ऑफ कर दिया, फिर अपने सरचार्ज निकाला उसको राउंड ऑफ कर दिया, फिर सेस निकाला उसको राउंड ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं करना। टैक्स निकालो, सरचार्ज ऐड करो, सेस ऐड करो, लास्ट में जो टोटल टैक्स आएगा, टोटल टैक्स पेबल, उसको राउंड ऑफ करना है, उसको सेम नियरेस्ट रुपीज 10 में राउंड ऑफ करना है। फिर अपन एक छोटा सा टॉपिक देखा था, कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट इन बिजनेस। दो तरह की रिसीट होती है बिजनेस में, एक रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, जो ऑर्डनरी कोर्स की रिसीट होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, वो होती है रेवेन्यू रिसीट। जैसे मान लो आप सेल करते हो, सेल से जो रिसीट हुई क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट। मान लो आप सर्विस देते हो, सर्विस देने से जो रिसीट हुई क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट। मान लो डिविडेंड की जो रिसीट हुई, डिविडेंड की इंटरेस्ट इनकम, या आपको रेंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसीट। मतलब जो रिसीट P&L अकाउंट को अफेक्ट करती है, P&L अकाउंट का पार्ट बनती है, वो होती है रेवेन्यू रिसीट। अब कैपिटल रिसीट होती है दो तरह की, एक कैपिटल गेन और एक अदर रिसीट। कैपिटल गेन क्या होता है, आपका कोई कैपिटल असेट था, लैंड था, बिल्डिंग था, शेयर था, उसको ट्रांसफर करने से जो गेन हुआ वो होता है कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाता है। एक होती है अदर कैपिटल रिसीट। अदर कैपिटल रिसीट क्या होती है, आपने लोन लिया तो पैसा आया, ये भी क्या है, अदर कैपिटल रिसीट। ऐसे मान लो आपने डिबेंचर इशू किया, बदले में आपको पैसा मिला, क्या है, अदर कैपिटल रिसीट। आपने शेयर इशू किया, बदले में आपको शेयर एप्लीकेशन मनी मिली, क्या है, अदर कैपिटल रिसीट। ये टैक्सेबल नहीं होती, लोन लेना टैक्सेबल नहीं होता। ऐसे ही डिबेंचर इशू किया, पैसा मिला, टैक्सेबल नहीं होता वो, ये अदर कैपिटल रिसीट। इसका एक एग्जांपल है, इसका एक केस लॉ भी है,
वो एग्जाम्पल मैंने लिखा है केस लो, एक केस लो था सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड का। वो क्या बोलता था, सप्लायर से आपको कंपनसेशन मिला। क्यों मिला कंपनसेशन? सप्लाई ने टाइम पे मशीन से सप्लाई नहीं करी और बदले में आपको लॉस हो गया, इस चक्कर में सप्लाई ने आपको कंपनसेशन दिया। वो कंपनसेशन क्या माना जाएगा? अदर कैपिटल रिसीट माना जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझा भी देता हूँ आपको। एक कंपनी है मान लो एबीसी लिमिटेड, एक मशीन का सप्लायर है, मशीन सप्लायर है मान लो। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट क्या बना कि जो सप्लायर है, जो मशीन बेचता है, वो एबीसी लिमिटेड को मशीन सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? मशीन सप्लाई करेगा। कब करेगा? 20 अप्रैल 2023 को मशीन सप्लाई करेगा मान लो, ये एग्रीमेंट बना। और अगर सप्लायर टाइम पे मशीन सप्लाई नहीं कर पाता तो सप्लायर क्या करेगा? एबीसी लिमिटेड को कंपनसेशन पे करेगा, कंपनसेशन पे करेगा 5 लाख का। ऐसा एग्रीमेंट बना कि सप्लायर जो है मशीन का, वो एबीसी लिमिटेड को एक मशीन सप्लाई करेगा। एबीसी लिमिटेड उस मशीन से मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, तो मशीन कब सप्लाई करेगा? 20 अप्रैल 2023 को। अगर टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाता, इस डेट को सप्लाई नहीं कर पाता, तो जो मशीन का सप्लायर है ये उस कंपनी को 5 लाख का कंपनसेशन पे करेगा। मान लो इस सप्लायर ने मशीन टाइम पे सप्लाई नहीं करी, फेल हो गया ये सप्लाई करने में, तो इस सप्लायर को 5 लाख रुपये पे करने पड़ गए। इस सप्लायर ने क्या किया, 5 लाख रुपये एबीसी लिमिटेड को पे किए कंपनसेशन के नाम पर। अब एबीसी लिमिटेड को जो 5 लाख रुपये का कंपनसेशन मिला, ये क्या है? अदर कैपिटल रिसीट। ये टैक्सेबल नहीं होगी। टैक्सेबल क्यों नहीं होगी? देखो, एबीसी लिमिटेड ने एग्रीमेंट किया था, एबीसी लिमिटेड एक मशीन खरीद रहा था अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब ये मशीन इसके पास टाइम पर नहीं आई एबीसी लिमिटेड के पास, तो बेचारी एबीसी लिमिटेड कस्टमर के ऑर्डर वगैरह पूरे नहीं कर पाई होगी बेचारी, इसको लॉस हो गया होगा रेवेन्यू का, तो इस चक्कर में इसको कंपनसेशन मिला। तो ये कंपनसेशन टैक्सेबल नहीं होता, ये रेवेन्यू नहीं माना जाता है। क्या माना जाता है? कैपिटल रिसीट माना जाता है। ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता, कैपिटल रिसीट माना जाता है, और ये टैक्सेबल नहीं होगा। ये था केस लो, सुप्रीम कोर्ट का केस लो था। आपको केस लो के नाम वगैरह याद नहीं करने, जो भी कंटेंट है केस लो का मैं साथ साथ कवर करवाता जाऊंगा आपको। जो भी टॉपिक आएगा, जो भी सेक्शन आएगा, जो भी प्रोविजन आएगा, उसी के साथ उसका कोई केस लो होगा साथ में बताता जाऊंगा। नाम वगैरह अपन को याद नहीं करने ना लिखने हैं नाम। वैसे केस होता है ये सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड का, लेकिन अपन को याद वगैरह कुछ नहीं करने। अब इसके बाद अपन ने देखा था एक टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये क्या टॉपिक है? इसका कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होती है? एसएससी ने इनकम ट्रांसफर करी, एसएससी ने अपनी इच्छा से करी, अपनी इच्छा से ओन विल पे करी, एसएससी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। एसएससी ने इनकम ट्रांसफर करी, एसएससी ने अपनी इच्छा से करी, अपनी ऑब्लिगेशन कुछ था नहीं एसएससी का, अपनी विल पे करी, अपनी इच्छा से करी, एसएससी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। ये होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अगर एसएससी ऐसा काम करता है तो जो भी एसएससी ने इनकम ट्रांसफर करी है वो एसएससी की इनकम में इंक्लूड मानी जाती है, एसएससी की इनकम में टैक्सेबल होती है। जैसे मान लो एक पर्सन था सीए रोहित, सीए बन गया था, सीए बनने के बाद वो टेंपल गया, मंदिर गया, और उसने मन्नत मांगी कि अगर उसकी जॉब लग जाएगी तो वो अपने एक महीने की सैलरी मंदिर में दान कर देगा, और उसकी जॉब भी लग गई। मान लो उसकी जॉब केपीएमजी में लग गई, तो उसने अपने एम्प्लॉयर को बोला, केपीएमजी वालों को बोला कि मैंने सीए बनने के बाद मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं 1 मंथ की सैलरी उस मंदिर में दान करूंगा, तो आप ऐसा करो मुझे 11 मंथ की सैलरी दे दो और मेरी 1 मंथ की सैलरी उस मंदिर को दे दो, उस मंदिर को दे दो। अब जो 1 मंथ की सैलरी उस मंदिर को उसने दिलवाई रोहित ने, तो रोहित के लिए 1 मंथ की सैलरी क्या है? यह है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। रोहित का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, रोहित का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, रोहित ने अपनी इच्छा से करी है, भगवान उसे मांगने नहीं आए थे। अगर मान लो रोहित नहीं भी देता तो कोई बात नहीं थी, भगवान उसे मांगने नहीं आए थे, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, रोहित ने अपनी इच्छा से करी है। तो ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो रोहित की सैलरी की इनकम कितनी मानी जाएगी? 12 मंथ की मानी जाएगी, 11 मंथ की नहीं मानी जाएगी। 11 मंथ की जो उसने रिसीव करी वो भी, और 1 मंथ की सैलरी की जो इनकम उसने दान करवाई है वो भी, तो 12 मंथ की उसकी सैलरी की इनकम मानी जाएगी। रोहित ये नहीं बोल सकता कि उसने 1 मंथ की सैलरी दान करवा दी तो उसकी 11 मंथ की इनकम मानो, ऐसा नहीं मानेंगे। 12 मंथ की उसकी इनकम मानी जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो, मिस्टर ए को 1 लाख पर मंथ की इनकम हो रही है, 1 लाख पर मंथ कमाता है मिस्टर ए, और ये 40,000 पर मंथ अपनी वाइफ वगैरह को, चिल्ड्रन वगैरह को, गर्लफ्रेंड वगैरह को खर्च करने के लिए दे देता है, खर्च करने के लिए, घर खर्च के लिए, शॉपिंग वगैरह के लिए या घूमने फिरने के लिए दे देता है 40,000 पर मंथ ट्रांसफर कर देता है। तो ये 40,000 पर मंथ जो मिस्टर ए ने वाइफ और चिल्ड्रन को ट्रांसफर करी, क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मिस्टर ए का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मिस्टर ए ने अपनी इच्छा से करें। मिस्टर ए ने जो ट्रांसफर किया है वाइफ को, चिल्ड्रन को, गर्लफ्रेंड को, किस में किया है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया है, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये 40,000 जो ट्रांसफर की, क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मिस्टर ए ये नहीं बोल सकता कि इसकी इनकम 60,000 मान लो, 1 लाख माइनस 40,000, ऐसा नहीं बोल सकता, पूरी 1 लाख की इसकी इनकम मानी जाएगी। 40,000 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। फिर अपन ने देखा डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये क्या होता है? एसएससी ने इनकम ट्रांसफर करी, एसएससी का ऑब्लिगेशन था, एसएससी का क्या था? ऑब्लिगेशन था। और ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट हुआ था? या तो डीड के थ्रू क्रिएट हुआ था या लॉ के थ्रू। एसएससी ने इनकम ट्रांसफर करी, एसएससी का ऑब्लिगेशन था, और ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट हुआ था? या तो डीड के थ्रू या लॉ के थ्रू क्रिएट हुआ था, तो बन जाएगी डाइवर्जन ऑफ इनकम। और डाइवर्जन ऑफ इनकम कैसे है? तो वो एसएससी की इनकम इंक्लूड नहीं होगी और वो अमाउंट का एसएससी को डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, फर्म में 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। डीड में लिखा हुआ था, किसमें लिखा हुआ था? डीड में। डीड में क्या लिखा हुआ था? अगर सी की डेथ हो जाती है, पार्टनर सी की डेथ हो जाती है, तो
फर्म के प्रॉफिट का 20% हिस्सा, फर्म का जो प्रॉफिट है उसका 20% हिस्सा सी की वाइफ को पे किया जाएगा। और करंट ईयर में मान लो सी की डेथ हो गई, अब करंट ईयर में फर्म का प्रॉफिट आया 10 लाख। अब डीड के अकॉर्डिंग फर्म ने क्या किया, सी की वाइफ को 10 लाख का 20% मतलब 2 लाख सी की वाइफ को दे दिया और खुद की इनकम 8 लाख मान ली। तो जो 2 लाख सी की वाइफ को दिया मतलब क्या है, डाइवर्जन ऑफ इनकम है। फर्म ने कैसे दिया, ये फर्म का ऑब्लिगेशन था और ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट हुआ था, डीड के थ्रू, डीड में लिखा हुआ था, इस कारण फर्म ने दिया। तो 2 लाख का क्या होगा, फर्म को रिडक्शन मिल जाएगा, फर्म की इनकम कितनी मानी जाएगी, 8 लाख ही मानी जाएगी, 2 लाख फर्म की इनकम नहीं मानी जाएगी। ये क्या है, डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम में आपको डिडक्शन मिल जाती है जो भी आपने पे किया है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इनकम में उसकी डिडक्शन नहीं मिलती, वो आपकी इनकम का पार्ट माना जाता है। डाइवर्जन ऑफ इनकम आपकी इनकम का पार्ट नहीं माना जाता, वो आपने सामने वाले को ट्रांसफर कर दिया ऐसा मान लिया जाता है। ये था चैप्टर 1 जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट देखे, टैक्स रेट देखी, जनरल टैक्स रेट भी देखी, स्पेशल टैक्स रेट भी देखी। मैंने डिटेल में आपको पूरा चैप्टर कवर करवा दिया, क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन भी आपको इसके करवाए थे, टोटल क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिए थे आपको। अब इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट आया आप मुझसे पूछ लेना। स्पेशल पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया, विद एग्जांपल समझा दिया कि आपको 115BAA और BAB की टैक्स रेट कैसे लगानी है, मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें गलती कर देते हैं, तो उसको भी मैंने स्पेशल समझा दिया, उसको एक बार और देख लेना ताकि आपकी गलती ना हो। और मैंने बता भी दिया ऑप्शनल स्पेशल रेट आपको कब फॉलो करनी है, वो क्वेश्चन में लिख के देगा, खुद लिख के देगा, तो फिर आपको फॉलो करनी है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से फॉलो करनी है, वो क्वेश्चन में खुद लिख के देगा तो ही फॉलो करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू सो मच।